हेलो एवरीवन मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप एकेडमी में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन सिविक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से ही नहीं बल्कि आपके जनरल नॉलेज के पर्पज से और ये जानने के पर्पज से कि आपके क्या राइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है या ऐसा समझें राइट्स की बात ना करें इसमें पर्टिकुलर एक राइट की बात हम कर रहे हैं वोटिंग राइट तो हम अपना वोटिंग राइट right कैसे एक्सरसाइज करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है वो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा ठीक तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है जब हम ये समझ लेंगे कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है तो ये समझेंगे कि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की ज़रूरत क्यों है फिर हम इस पर आएंगे कि इंडिया में इलेक्शनस किस तरीके से होते हैं जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ठीक है और क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं ठीक है तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के पर्पस से भी और एग्जाम के पर्पस से भी एग्जाम के पर्पस से हम इसे बहुत कम टाइम में अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक तो शुरुआत करेंगे हम एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से ठीक है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस की ये रिपोर्ट है जो 1987 में होने वाले थे ठीक है तो देखिए भाई ये न्यूज रिपोर्ट है कहां की है ये हरियाणा है ना इंडिया की एक स्टेट है हरियाणा इसके बारे में अपन एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहे हो फिर उस न्यूज रिपोर्ट में जो कुछ दिया है वो क्यों दिया है उसके बारे में समझेंगे तो न्यूज रिपोर्ट क्या है द टाइम इज आफ्टर मिड रात हो चुकी है बारह बज चुके हैं सपेक्टेड क्राउड सिटिंग फॉर दास्ट फाइव आवर्स इन चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम कौन है वो लीडर मिस्टर देवी लाल ठीक है दर्गेनाइजर्स अश्योर एंड रीअ्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट ये जो क्राउड है ये इनको अश्योरेंस दे रही है कि वो आने ही वाले हैं द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे कोई भी गाड़ी निकली तो उत्साह में खड़े हो जाते हैं इट आर हाउस होप कम द लीडर इज मिस्टर देवीलाल अब ये कौन है चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति ठीक है हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर थे बाद में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी लोक दल ठीक है उसके भी लीडर ये थे है ना हु हु हैज टू टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट The 76 year old leader is a very busy man these days. क्यों है भाई बिजी ऐसा क्या किया इन्होंने इतना बिजी क्यों है इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे हैं ठीक है His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed nine election meeting since morning. एक दिन में नौ इलेक्शन मीटिंग वो कर चुके हैं और ये दसवीं मीटिंग के लिए वो जा रहे हैं टली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर पास ट्वेंटी थ्री मंथ एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन 23 थ्री मंथ से इन इलेक्शंस के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है तो ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये कब की है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस इन 1987 ठीक अब इसके पहले यहां पर कौन रूल कर रहा था कांग्रेस पार्टी सिंस नाइनटीन ठीक पाँच साल कंप्लीट हो गए इलेक्शन होने हैं ठीक है और उस समय देवीलाल जो थे वो ऑपोजिशन के लीडर थे और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था उस मूवमेंट का नाम था न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस ठीक है अब ये जो इन्होंने ये न्याय युद्ध चलाया इसके बाद इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था लोक दल ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे ठीक है ये बहुत बड़े लीडर थे हरियाणा के और इन्होंने असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया अदर पार्टीज के साथ एक फ्रंट फॉर्म करके एक अलायंस फॉर्म किया अगेंस्ट कांग्रेस ठीक है मतलब कि हरियाणा की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कांग्रेस के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ी 1987 का और इस इलेक्शन को जीतने के लिए इलेक्शन कैंपेन्स में देवीलाल जी ने कुछ प्रोमिस किए कि यदि उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो क्या करेंगे तो उनका प्रॉमिस क्या था कि यदि उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो सबसे पहला स्टेप जो उनकी गवर्नमेंट लेगी वो ये कि जो स्मॉल फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन है उनके ऊपर जो लोन है बैंक का ये माफ कर देंगे, है ना तो क्या है प्रॉमिस इनका कि यदि इनकी पार्टी इलेक्शन जीतती है हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन वेव द लोन मतलब लोन माफ कर देंगे ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन इनका लोन माफ कर देंगे और ये कहना था कि सबसे पहला एक्शन होगा उनकी गवर्नमेंट का बाकी सब चीजें बाद में सबसे पहले ये लोन माफ करेंगे अब स्टेट में जो लोग थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के रूल से खुश नहीं थे ठीक है और देवीलाल के प्रोमिस ने भी उनको काफी अट्रैक्ट किया है ना दे आर अनहैप्पी विद द रूल ऑफ कांग्रेस एंड अट्रैक्टेड बाई द प्रोमिस मेड बाई मिस्टर देवी तो भाई जब असेंबली इलेक्शन हुए नाइनटीन में तो लोगों ने ओवरवेलमिंगली देवीलाल जी की पार्टी लोकदल को और उनका जो अलायंस था अलायंस को उनको वोट दिया ठीक है तो लोकदल और इसके जो पार्टनर्स थे ये इलेक्शंस जीत गए कितने वोट्स कितनी सीट्स मिली इनको हरियाणा असेंबली में टोटल 90 सीट्स थी है ना ये ऐसे अपन को दिख रहा है कि पूरे स्टेट को नाइन्टी सीट्स में डिवाइड किया हुआ है ठीक है इसमें से सिक्स देवीलाल जी की पार्टी लोकदल और उनका जो अलायंस है उनको मिला और अकेले लोकदल को 60 सीट्स मिली बाकी की जो 16 सीट्स थी वो अलायंस को मिली ठीक है और कांग्रेस सिर्फ पांच सीट्स पर ही जीत पाई कांग्रेस को कितनी मिली सिर्फ पांच सीट्स। अब जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो जो ऑलरेडी कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया ठीक है न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं एम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ये जिसको अपना लीडर चुनेंगे वो वो बनेगा चीफ मिनिस्टर ठीक है तो इन्होंने मिस्टर देवीलाल को अपना लीडर चुना ठीक है तो मिस्टर देवीलाल को जैसे लीडर चुना तो अब अपॉइंट कौन करता है देखो यहां से क्वेश्चन बनता है चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है गवर्नर ठीक है मनमर्जी से नहीं कर सकता ये जो एम हैं असेंबली में ये जिसको अपना लीडर चुनेंगे मतलब जिसके पास मेजोरिटी होगी वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा लेकिन अपॉइंट करेगा कौन गवर्नर तो सबसे पहले क्या हुआ इलेक्शन का जैसे ही रिजल्ट आया तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने देवीलाल को अपना लीडर चुना जैसे ही लोगों ने देवीलाल को अपना लीडर चुना इन्होंने गवर्नर ने क्या किया ही इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर अब जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने देखो भैया तीन दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर बन गए जब रिजल्ट आया उसके तीन दिन के अंदर ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन ठीक है तो इन्होंने इनका लोन माफ कर दिया अपना प्रॉमिस फुलफिल किया ठीक है अब अगले इलेक्शंस कब हुए चार साल बाद है ना वैसे तो पांच साल में होते हैं लेकिन आ, कुछ थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आ जाता है तो कभी जल्दी हो जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन कब हुए नाइनटीन में ठीक है इन इलेक्शन में ये जो पार्टी है ये इलेक्शन हार गई पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट मतलब कि ये इलेक्शन हार गए ठीक है अब कौन जीता फिर से कांग्रेस कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली ठीक है अब क्या होता है भाई ऐसा हर बार होता है क्या कि एक बार एक पार्टी जीती अगली बार अगली पार्टी जीतेगी हालांकि कंपलशन नहीं है लेकिन जनरली हम देखते हैं कि दो या तीन इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी हार जाती है और कई बार हर बार ऐसा होता है कि नई पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है ठीक है तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली अब यहां पर हमने ये देखा कि भैया इलेक्शन किस तरीके से जनरली होते हैं कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है लेकिन क्वेश्चन क्या आता है वाई डू बी नीड इलेक्शन भाई हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं लगभग हर कंट्री में है ना अपन यदि बात करें कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस होंगे ही लेकिन कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं है बट फिर भी वहां पर इलेक्शंस होते हैं ठीक है तो देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक्स प्लेस एंड चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ये हम डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसीज नहीं है लेकिन वहां पर भी इलेक्शंस किसी ना किसी तरीके से होते हैं तो इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शंस की जरूरत क्यों है अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ध्यान से सुनना कौन सा क्वेश्चन वाई डू वी नीड इलेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं क्या इमेजिन कर रहे हैं एक डेमोक्रेसी याद रखना क्या इमेजिन कर रहे हैं डेमोक्रेसी जहां इलेक्शंस ना हो याद रखना हमने एक पहले ही कंडीशन बोल दिया है कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी है मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल कर रहे होंगे या फिर डेमोक्रेसी का सीधा मतलब क्या होता है रूल बाय द पीपल जब हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय द पीपल मतलब सारे लोग एक साथ बैठेंगे और डिसीजंस लेंगे है ना तो यदि हम ये कंडीशन इमेजिन करना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन तो उसमें क्या होगा विदाउट इलेक्शन जब बात कर रहे हैं मतलब सारे लोग एक साथ बैठेंगे और सारे मेजर डिसीजंस लेंगे लेकिन क्या एक लार्ज कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जहां वहां ऐसा पॉसिबल है कि सब लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले सके नहीं है पॉसिबल इसीलिए इलेक्शंस की जरूरत है इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है ठीक है तो पहला पॉइंट हमें मिल गया व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस तो उसके लिए हमने इमेजिन किया कि भाई एक डेमोक्रेसी है लेकिन वहां इलेक्शंस नहीं हो रहे तो क्या होगा अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सेट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल मेजर डिसीजन लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है तो एक ऐसी कंट्री जहां डेमोक्रेसी है लेकिन इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं सब लोगों को साथ बैठकर रोज डिसीजन लेने पड़ेंगे ऐसा एक लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं है इसीलिए हमें इलेक्शन की जरूरत होती है ये पहला पॉइंट मिल गया हमको भाई ठीक है दूसरा पॉइंट आ जाते हैं अपन मान लो कि किसी तरीके से सब एक साथ बैठ जाते हैं बैठने की व्यवस्था है कि सब एक साथ बैठ जाएंगे पर हम लार्ज कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हम स्मॉल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं छोटी कंट्री है वहां तो सब लोग साथ में बैठ सकते हैं ना जैसे कि हम अपने ग्राम सभा की बात करें छोट छोटे लेवल पर हमारी कंट्री में बहुत छोटे लेवल सबसे छोटा लेवल जो होता है वो ग्राम सभा होती है ग्राम सभा में क्या होता है उस गांव के सभी अडल्ट उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं जो ग्राम पंचायत के काम को सुपरवाइज कर सकते हैं ठीक है लेकिन क्या ये ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज है, होती हैं क्या सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते क्यों नहीं करते हो सकता है उनके पास टाइम ना हो या नॉलेज ना हो इसमें एक चीज मिसिंग है स्किल्स ना हो डिसीजन मेकिंग के है ना या डिजायर ना हो इच्छा ही नहीं है टाइम भी है नॉलेज भी है लेकिन वो चाहता ही नहीं है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है ना तो हम ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए या ऐसा कहें डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी में इलेक्शन है ऑन ऑल मैटर्स तो हमको दूसरा पॉइंट मिल गया कि वाई वी नीड इलेक्शन क्योंकि हो सकता है सबके पास टाइम ना हो और नॉलेज ना हो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें या सारे मैटर्स पे पार्टिसिपेट कर सकें हो सकता है कुछ एक आध मैटर पर आ जाए बाकी के मैटर्स पे ना आ पाए है ना तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ज्यादातर डेमोक्रेसीज क्या करती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करती हैं ठीक यहां कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर डाउट पूछ सकते हैं ठीक है अब ध्यान दीजिएगा भाई तीसरे पे आते हैं आप अपन अब हम मान लेते हैं कि चलो इलेक्शन नहीं करते तो सिलेक्शन कर लो दो पॉइंट मिल गए अभी है ना पहला मिल गया कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते दूसरा क्या मिल गया हो सकता है उनके पास टाइम और नॉलेज ना हो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करें ठीक है तीसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई हम कहते हैं कि इलेक्शन ना करें उसकी जगह क्या करें सिलेक्शन तो एक क्वेश्चन आ गया इज देयर आर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव उट इलेक्शन क्या यह पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है भाई सोचते हैं इस बारे में है ना तो एक ऐसा प्लेस हम सोच रहे हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो रहे हैं अब किस बेसिस पर करेंगे देखो बेसिस देखते हैं सबसे पहला हो सकता है एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर या दूसरा एजुकेशन एंड नॉलेज के बेसिस पर इन दो चीजों के बेसिस पर लोगों को इलेक्ट किया जा सकता है सॉरी लेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट नहीं इन दो चीजों के बेसिस पर लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है एक डेमोक्रेसी में विदाउट इलेक्शन कौन सी दो चीजें एज एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड नॉलेज लेकिन यहां समस्या है कैसे बताओगे कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंसड है या कौन ज्यादा नॉलेजेबल है है ना तो एक समस्या है कि भाई यहां पर हम ये कर तो सकते हैं लेकिन ये बताना मुश्किल है डिफिकल्ट है कि, कि किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है या किसका नॉलेज ज्यादा है डेट इज वाई वी नीड ठीक है तीन पॉइंट मिल गए तीसरा पॉइंट मिल गया हमको डू वी नीड इलेक्शन ठीक है लेकिन चलो मान लो हम ये सारी डिफिकल्टीज सॉल्व कर लेते हैं है ना अब जब हमने ये सारी डिफिकल्टीज सॉल्व कर ली तो क्या ऐसी जगह पर इलेक्शंस की जरूरत है यदि ये तीनों डिफिकल्टी सॉल्व कर ली ना तो इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है है ना तो तीन पॉइंट तो बहुत ही स्ट्रांग मिल गए क्या स्ट्रांग मिल गए पॉइंट सबसे पहला कि भाई इतने सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते दूसरा मान लो बैठ सकते हैं तो उनके पास हो सकता है टाइम ना हो और नॉलेज ना हो तीसरा चलो हम इलेक्शन नहीं कर रहे सिलेक्शन कर रहे तो नॉलेज और सॉरी एज एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड नॉलेज के बेसिस पर कर सकते हैं लेकिन उसमें भी समस्या है कैसे बताओगे कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंसड है या कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है ठीक है और यदि ये तीनों समस्याएं हमने सॉल्व कर ली तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं ठीक है अब क्या अब हमारे दिमाग में और क्वेश्चन आते हैं अब वो क्वेश्चन को ही हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वाई डू वी नीड इलेक्शन तो तीन पॉइंट और देखते हैं तीन क्वेश्चन देखते हैं कि यदि इलेक्शन नहीं हुए तो हमें उन तीन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द प्लेस इफ द पीपल लाइक देअर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक like करते हैं कि नहीं है ना तो हम ये लिखेंगे वी नीड इलेक्शंस बिकॉज विदाउट इलेक्शंस इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट यहां से जाएगा है ना इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट ठीक दूसरा क्या हाउ डू वी इंश्योर दैट डीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द दिशेज ऑफ द पीपल ठीक है तो विदाउट इलेक्शन इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट डीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल इसीलिए हमको इलेक्शन चाहिए क्योंकि विदाउट इलेक्शन ये बहुत ही मुश्किल होगा जानना कि भैया या ये बहुत ही मुश्किल होगा ये इंश्योर करना कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों की विशेष के हिसाब से रूल करें ठीक है और लास्ट हमने क्या देखा हाउ हाउ टू मेक श्योर दैट डोज हु डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देअर रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्शन है और यदि हम लाइक like नहीं करते तो उनको हटा सकते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे और हम लाइक like नहीं करते तो कैसे हटाओगे तो विदाउट इलेक्शन इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक श्योर दट दो पीपल डोन्ट लाइक नॉट रिमेन देअर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है तो so, यह तीन पॉइंट हमने पहले पढ़े और तीन ये क्वेश्चन के फॉर्म में है तो हमें छ पॉइंट मिल गए वाई डू वी नीड इलेक्शन तो पांच मार्क का क्वेश्चन सक, आ सकता है और आसानी से हम उसका आंसर लिख सकते हैं ठीक है भाई अब तो ये इलेक्शन होते क्या हैं ये सब जो हमने पढ़ा ना ये सब करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए और वही मैकेनिज्म क्या कहलाता है इलेक्शन तो इलेक्शन किस टाइप का मैकेनिज्म है इट इज मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देर इंटरवल ऑफ टाइम है ना ये याद रखना है हमारे यहां जैसे यार पांच साल में होता है ना तो यह क्या है एक मैकेजमे वैक्शन इलेक्शन मैकेजम बाई विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड कैन ऑल्सो रिमूव देंज द विश टू डू सो ठीक है ये जो मैकेनिज्म है जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और उन्हें हटा भी सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इसे ही हम क्या कहते है? कहते हैं हैं इलेक्शन ठीक है तो इसीलिए हम कह रहे हैं भैया कि ये जो हैं दीज आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ही जरूरी है हमारे यहां क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो ना हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन पाएंगे रूलर्स जिन्हें हम कहते हैं ना हम अपने रूलर्स चुन पाएंगे और यदि हम उन्हें पसंद नहीं करते तो उन्हें हटा भी नहीं पाएंगे इलेक्शंस के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि हम खुद अपने रूलर्स चुने और यदि हम उन्हें लाइक नहीं करते हैं तो उनको हटा दें निकाल दें ठीक है अब ये इलेक्शंस में हम कई सारी चीजें चूज करते हैं क्या चूज करते हैं भाई ये जो इलेक्शन है इसमें हम ये चूज करते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा और मेजर डिसीजन कौन लेगा है ना तो इन इलेक्शंस हम ये देख रहे हैं कि भैया ये ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा ठीक है दूसरा हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन हमारे लिए लॉ बनाएगा ठीक है सॉरी ये फर्स्ट ऊपर आएगा भाई है ना ये फर्स्ट है लॉ कौन बनाएगा गवर्नमेंट कौन कौन फॉर्म करेगा और साथ ही साथ हम वो पार्टी चूज करते हैं जिसकी पॉलिसीज इस लॉ मेकिंग को और इस गवर्नमेंट को गाइड करेंगी है ना तो क्या चूज करते हैं लोग हमने देखा इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं वो तीन चॉइसेस उनके पास होती हैं क्या चूज कर सकते हैं वो दे कैन चूज हु विल मेक फॉर देम ठीक है कौन उनके लिए लॉ बनाएगा दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन ठीक है एंड दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग तो एक्चुअली में हम देखे हैं तो ये हम पार्टी ही तो चुन रहे हैं यही पार्टी के लोग लॉ बनाएंगे और यही पार्टी के लोग गवर्नमेंट बनाएंगे तो ये एक पॉइंट ही है इसी को हमने तीन पॉइंट में डिवाइड कर दिया है ठीक है लेकिन ये तीन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है तो जब ये तीन मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि भाई ये इलेक्शन से जो लोग होते हैं वो क्या चूज करते हैं वॉट पीपल चूज फ्रॉम दीज इलेक्शन या जो वोटर्स हैं वो क्या चूज करते हैं ठीक है क्लियर है? है अब ये तो पता चल गया कि इलेक्शन क्या होते हैं हमें इनकी जरूरत क्यों होती है और इन इलेक्शन में वोटर्स क्या चूज करते हैं अब यह क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं क्योंकि भाई इलेक्शंस तो बहुत सारी कंट्रीज में हो रहे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस तो बहुत सारे तरीकों से हो सकते हैं ठीक है सारी डेमोक्रेसीज तो इलेक्शन कंडक्ट करती हैं लेकिन बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो भी किसी ना किसी तरीके के इलेक्शंस कंडक्ट करती हैं जैसे सऊदी अरेबिया ठीक है तो इलेक्शंस तो ये सभी लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करें डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच में या जो अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन है उनके बीच में ठीक है तो कैसे कर सकते हैं आप हम मिनिमम क्राइटेरिया देखने वाले हैं इलेक्शन के लिए ठीक तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है इलेक्शन यदि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है तो उसमें क्या देखना चाहिए हमको सबसे पहली चीज जो देखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट हो और हर एक के वोट की वैल्यू इक्वल हो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना तो सबसे पहली चीज जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए पहली क्या है एवरी शुड बी एबल टू चूज ठीक है और इसका मतलब क्या है दैट एवरी शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू ठीक है एक जैसी वैल्यू ऐसा नहीं कि मेरे वोट की वैल्यू दो है और किसी के वोट की वैल्यू चार है सबके वोट की वैल्यू इक्वल हो मेरे वोट की वैल्यू एक वैल्यू इक, दूसरे की भी एक मेरे वोट की वैल्यू यदि दो है तो उसकी भी दो हो यह होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ठीक है ऐसा नहीं कि रिच के वोट की वैल्यू ज्यादा है और पुअर के वोट की वैल्यू कम है ठीक या एक रिलीजन के लोगों के वोट की वैल्यू ज्यादा और दूसरे की कम ऐसा नहीं यदि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो किसी भी जेंडर का हो किसी भी रिलीजन का हो किसी भी कास्ट का हो कहीं भी रहता हो सबके वोट की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल सबके पास एक वोट हो और सबके वोट की वैल्यू इक्वल हो तो कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन ठीक है तो ये पहली कंडीशन मिल गई अब वोट करने का राइट होना चाहिए ये तो हमने बोल दिया लेकिन चॉइस भी तो होनी चाहिए ना इलेक्ट करने का राइट right हो तो सेकेंड चीज क्या है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम कुछ हो तो चॉइस पता चला कि चॉइस ही नहीं है चाइना जैसी एक ही पार्टी है ठीक है ना तो देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम चॉइस होना चाहिए मतलब पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस समझ गए भाई दूसरा पॉइंट मिल गया पहला मिल गया कि वोट का राइट right होना चाहिए और सबके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए पीपल शुड बी एबल टू चूज ठीक है दूसरा क्या देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम और वो कब होगा जब पार्टीज और कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फ्री होंगे और वो वोटर्स को एक रियल चॉइस ऑफर करेंगे ठीक है तब हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए सारे होना चाहिए ठीक है तीसरा क्या होता है ये जो चॉइस हम कह रहे हैं कि चॉइस होनी चाहिए ये चॉइस रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए ये नहीं कि कभी पांच साल में कभी पचास साल में ये नहीं चलेगा ठीक है तो ये जो चॉइस है इट शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स मतलब इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए हर कुछ समय के बाद इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स अब ये फ्यू ईयर्स क्यों लिखा क्योंकि हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं इंडिया में तो पांच साल में होते हैं लेकिन अमेरिका में चार साल में होते हैं मैक्सिको में छह साल में होते हैं ठीक है भाई इसीलिए हमने लिखा आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स एक टाइम फिक्स हो कि भैया छह साल तो छह साल पांच साल तो पांच साल ठीक है तीन पॉइंट मिल गए कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब कहलाएंगे चौथे पॉइंट पे आते हैं इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रेफर कर रहे हैं जिस कैंडिडेट को वही चुना जाना चाहिए ऐसा ना हो कि लोग प्रेफर कर रहे थे कि यार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पता चला नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह को बना दिया पार्टी तो वही है ठीक है लेकिन प्रधानमंत्री वो बने जो लोगों ने जिसके नाम से वोट दिया है ठीक है या फिर हम पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात कर लें किसी एरिया के लोग चाह रहे थे कि यार ये व्यक्ति जीते और उसकी जगह कोई और जीत गया चीटिंग हो गई मतलब है ना तो कंडीशन क्या है कैंडिडेट बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड अब इसी से मिलता जुलता पांचवा पॉइंट है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश ठीक है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो गई और ये भी इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है तो ये पांच पॉइंट हमें मिल गए इनके बेसिस पर हम कहते हैं यदि ये पांचों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं ठीक तो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं क्या ये इलेक्टोरल कंपटीशन सही है क्या ये जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की होने चाहिए क्योंकि इसके ड्रॉबैक भी नजर आ रहे हैं हमें बहुत सारे ड्रॉबैक नजर आ रहे हैं तो जरा अब हम इन इलेक्शन कॉम्पिटिशन ये जो इलेक्शन कॉम्पिटिशन है कॉम्पिटिशन किसके बीच में देखो यदि हम नेशनल लेवल की बात करें तो पोलिटिकल पार्टीज के बीच में और यदि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात कर रहे हैं तो यह कैंडिडेट्स के बीच में है, है ना तो ये जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है यह बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है यदि हम बात करें नेशनल लेवल की तो यह किसके बीच में होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और यदि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की बात करें तो किसके बीच में है सेवरल कैंडिडेट्स के बीच में ठीक है तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है इसने अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म लिया और यदि यह कॉम्पिटिशन ना हो तो इलेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है समझ गए ना तो भैया ये कंपटीशन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है ये कंपटीशन नहीं है ना तो बिना कंपटीशन के इलेक्शन का कोई सेंस नहीं होगा ये इलेक्शन पॉइंटलेस ही होंगे लेकिन हम ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्शंस में कुछ नेगेटिव चीज़ें ने दिख रही हैं है ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कुछ। कहते हैं ना हर एक सिक्के के दो पहलू हैं वैसे ही हर एक इंसान के होते हैं हर एक इंसान में बुराई भी है और अच्छाई भी ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान पूरा बुरा है या हर एक इंसान पूरा अच्छा है हो सकता है मैं आपके लिए अच्छा हूँ किसी दूसरे के लिए बुरा हूँ है ना वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि भैया इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं ठीक है तो हमारा क्वेश्चन इसीलिए है कि हाँ भाई ये ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा होता है डेफिनेटली इसमें हमें कुछ डीमेरिट्स नजर आ रहे हैं तो जरा अब हम इन डीमेरिट्स पर बात करते हैं सबसे पहला और सबसे बुरी चीज जो इलेक्शन की होती है वो लोगों को डिवाइड कर देती है है ना कैसे डिवाइड करें भाई हम कांग्रेस वाले हैं हम बीजेपी वाले हैं हम बीएसपी वाले हैं हम एनसीपी वाले हैं ऐसे डिवाइड हो गए ना लोग फ्रैक्शनलिज्म हो गया ना है ना तो पहला डीमेरिट क्या है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं क्या करते हैं ये क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी या इसी डिस यूनिटी के सेंस को हम क्या कहते हैं फैक्शनलिज्म ठीक है तो हर एक लोकैलिटी के लोग डिवाइड हो जाते हैं कि भैया हम इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं हम उस पार्टी के सपोर्टर्स हैं फैक्शन हो गए कंट्रीज के ठीक तो ये पहला हो गया फिर दूसरी चीज क्या होती है पार्टी पॉलिटिक्स होती है पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक तरीके की होती है अब इस पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होता है हम देखते हैं जरा लोग

लेकिन क्या कर रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी पर एक लीडर दूसरे लीडर पर इल्जाम ही लगा रहा है पूरे टाइम ठीक फिर नेक्स्ट चीज क्या ये पार्टीज जो हैं कई बार पार्टीज या कैंडिडेट्स दोनों कई बार क्या करते है? हैं डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल गया क्या ड्रॉबैक है इन इलेक्शन का कि इलेक्शन जीतने के लिए यह पार्टीज या कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं कैसी डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं कई बार दंगा फसाद करवा देते हैं कई बार ये पोलिंग बूथ्स जो हैं उन पर बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे अब आजकल तो ये बहुत कम हो गया है और शायद मेरे ख्याल से अब होता ही नहीं है लेकिन एक ज़माना था कि बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे गुंडे बदमाश भेज लोगों को ज़बरदस्ती वोट डालने के लिए मजबूर करते थे है ना और भी कई डर्टी ट्रिक्स होते हैं लोगों को कंबल लोगों को शराब बांटते हैं ड्रग्स बांटते हैं ऐसी कई सारी आप मूवीज़ में भी देखते होंगे कि कैसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं कई बार इलेक्शन जीतने के लिए ठीक है फिर कई बार क्या होता है कि ये जो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जो है ना वो हावी हो जाते हैं यहां पर है ना मतलब वो सेंसेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनने ही नहीं देते वो अपना प्रॉफिट देखते हैं मतलब क्रिमिनल्स अकेले की बात ना करें हम यदि देखें ये पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं वो कई बार सिर्फ अपना फायदा देखते हैं जनता का फायदा देखते ही नहीं है मतलब उनको लगता है कि भैया जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें हमारा क्या फायदा है है ना अब या फिर ये देखेंगे कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं तो अभी ये फटाफट काम करवा दो ताकि अपन को वोट ज्यादा मिले तो क्या होता है इसमें लॉन्ग टर्म सेंसिबल पॉलिसीज फॉर्म नहीं हो पाती तो सम क्या होता है सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्शन फाइट इलेक्शन आने वाले हैं इलेक्शन जीतना है तो उसका प्रेशर है डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बन पाती वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पर ही अटके रह जाते हैं बड़ी समस्या है इसमें ठीक और अगली चीज क्या है कि जो लोग अच्छे हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं है ना कई बार ये सब देख कर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करते हैं है ना तो सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना क्यों बिकॉज दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बींग ड्रैगड इन टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन ठीक है पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए ये हम कह रहे हैं लेकिन ये हेल्दी नहीं है फिलहाल अनहेल्दी है जिसके कारण कई लोग जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं वो इस पार्ट इस पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होते ठीक क्लियर है ये अब क्या भाई तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये नहीं मालूम था क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी तो जानते थे ना हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे हमसे ज्यादा डिग्रीज थी हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस था उन्होंने तो इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी लड़ी थी बहुत सारा एक्सपीरियंस था उनके पास तो क्या उनको नहीं मालूम था कि इतने सारे ड्रॉबैक हैं पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन के डेफिनेटली मालूम था लेकिन फिर भी उन्होंने ये चूज किया ऐसा क्यों किया उन्होंने क्योंकि उनको मालूम था कि ये भाई ये जो दो हमको ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं लॉन्ग टर्म में ये इलेक्ट्रल कंपटीशन अच्छा ही परफॉर्म करेगा जो भी कमियां हैं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी समझ गए तो देखो भाई जरा आप इसमें यही कह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी इन प्रॉब्लम से अवेयर थे उनको मालूम था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी फ्री कॉम्पिटिशन उन्होंने इलेक्शन के लिए अडॉप्ट किया क्यों किया ऐसा दे डिड दिस सो बिकॉज दिस सिस्टम works बेटर इन लॉन्ग रन ठीक है ये हमको मिल गया भैया आंसर क्यों सिलेक्ट किया क्योंकि उनको मालूम था कि लॉन्ग रन में ये अच्छा परफॉर्म करेगा कैसे करेगा आप जरा हम उस पर चर्चा करते हैं ठीक है इसके लिए जरा हम देखते हैं एक आइडियल वर्ल्ड और एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं ठीक है पहले हम बात करेंगे किसकी आइडियल वर्ल्ड की ठीक है आइडियल वर्ल्ड में क्या होता है जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उसको मालूम होता है कि किसके लिए क्या अच्छा है है ना वॉट इज गुड फॉर द पीपल एंड दे आर मोटिवेटेड ओनली बाई द डिजायर टू सर्व देम ठीक है अच्छे लीडर जो आइडियल आइडियल कंट्री आइडियल होता नहीं है कुछ है ना लेकिन एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मालूम होता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और उन वो किस चीज से मोटिवेटेड हैं एक विल है कि अपने लोगों को सर्व करना है ठीक है तो ऐसी जगह तो पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है आइडियल वर्ल्ड में हमें पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत नहीं होती लेकिन हम भाई रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं है ना तो भाई ये जो रियल वर्ल्ड होता है ये जो रियल लाइफ होती है हमारी इसमें ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दुनिया भर में कहीं पर भी आप चले जाओ ये पॉलिटिकल लीडर्स किस चीज से मोटिवेटेड हैं दे आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं अब पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं का मतलब क्या है दे वांट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ्स क्या चाहते हैं वो पावर एंड पोजीशन अपने लिए पावर चाहते हैं और पोजीशन चाहते हैं तो भैया ऐसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहां पर वो कंट्री को सर्व करने के उस सर्व uh, करने के पर्पज से मोटिवेटेड नहीं है वो खुद के पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने के लिए मोटिवेटेड हैं ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे हो सकता है दे मे विश टू सर्व द कंट्री लेकिन हम सिर्फ उनकी मॉरल वैल्यूज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते वी कैन नॉट टेक द रिस्क टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी उनकी मॉरल वैल्यूज पर यदि हम डिपेंडेंट होगा कि यार हमने उसको चुना है ये आदमी सर्व करेगा उसकी होगी डिजायर सर्व करने की हो सकता है करना चाहता हो लेकिन सब लोग करना चाहते हो ये जरूरी नहीं है ठीक है तो ऐसे में हम क्या चाहेंगे एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है जो चुने जा रहे हैं जो इलेक्ट किए जा रहे हैं वो भले ही उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी हो या ना हो लेकिन यदि चुना गया है तो जनता के लिए काम करें ठीक है तो हमने क्या सोचा इवन वेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो वॉट इज रिक्वायर्ड टू डू सो ये एक पॉइंट भी है भाई ये अपन मिस कर गए कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि सर्व करना चाहता हो लेकिन उसको पता ही नहीं है सर्व करने के लिए करें क्या या फिर देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल वांट जो लोग सही में चाहते हैं हो सकता है कि इनके आइडियाज लोगों के आइडियाज से मैच ना करें ठीक है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इनकी मॉरल वैल्यूज पर एंटायरली डिपेंडेंट नहीं रह सकते ठीक है हमको क्या चाहिए हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि हम इनको आंसरेबल uh, बना सकें अकाउंटेबल बना सकें कि भैया काम करना ही पड़ेगा तो हम कैसे करें रियल लाइफ में जो सिचुएशन है इसको कैसे डील करें कैसे डील कर सकते हैं इसका एक तरीका क्या है सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं वन वे ऑफ दिस डूइंग दिस इज to try एंड improve द नॉलेज एंड character ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ही कठिन काम है भैया किसी का करेक्टर बनाना वो भी चलो ठीक है बच्चा है बच्चे को तो हम कहते हैं ना बच्चे घड़े के जैसे होते हैं आप उनको जो शेप देना चाहो दे सकते हो लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं इलेक्शन लड़े हैं इलेक्शन जीतने के बाद लीडर बने हैं इनका कैरेक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा नॉलेज तो चलो फिर भी उनका बढ़ जाता है लोगों से मिलते हैं बात करते हैं ऑफिसर्स से मिलते हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो ऑफिसर्स और लोगों के कॉन्टेक्ट में होने के कारण इनका नॉलेज बढ़ जाता है लेकिन कैरेक्टर कैसे बनाओगे पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत कठिन काम है आजकल तो बच्चों का कैरेक्टर बनाना बहुत कठिन काम है क्योंकि वो ऑनलाइन मटेरियल देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा जिससे कि कैरेक्टर बनने की जगह बिगड़ रहा है हम सोच नहीं रहे हैं ऑनलाइन कुछ भी देख रहे हैं और हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं लेकिन उससे क्या हो रहा है हमारा खुद का कैरेक्टर ही खत्म होता चला जा रहा है है ना हमारा जो कल्चर था स्पिरिचुअलिटी वाला मोक्ष वाला वो खत्म होता जा रहा है और हम भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो ये संसारिक सुखों का भोग है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर तो कैरेक्टर बनाना और कठिन काम है भाई ठीक है तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हम इन इस चीज पर ये जो एक रास्ता है ये बहुत कठिन रास्ता है दूसरा कोई रास्ता सोचना पड़ेगा तो दूसरा रास्ता क्या है लालच सबसे आसान तरीका है लालच क्या लालच अच्छा काम करोगे तो भैया रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी से काम करवाने का कि तू ये काम कर दे भाई तेरे को मैं कुछ दूंगा है ना बच्चों को भी करते ना बेटा एग्जाम में 90 परसेंट मार्क्स लेके आ 95 परसेंट मार्क्स लेके आ तुझे साइकिल दिला देंगे लैपटॉप दिला देंगे आईफोन दिला देंगे लालच और यदि अस्सी से कम आए तो तेरा बाहर घूमना फिरना बंद दोस्तों से मिलना जुलना बंद ये जो फोन तेरे पास अभी है एंड्रॉयड वाला ये भी छीन लेंगे समझ गए ना सबसे आसान तरीका यही होता है तो हम भी यही देख रहे हैं कि दूसरा और सबसे रियलिस्टिक तरीका क्या है एक ऐसा सिस्टम सेटअप करो जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो सबसे अच्छा तरीका यही है इलेक्शन में यही तो करते हैं हम अच्छा काम कर रहा है लीडर तो उसको अगली बार फिर चुनेंगे और यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है तो अगली बार हटा देंगे किसी और को चुन लेंगे है ना और ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड कौन डिसाइड करेगा हम डिसाइड करेंगे आंसर क्या है पीपल। कौन डिसाइड करेगा रिवॉर्ड और पनिशमेंट हम डिसाइड करेंगे और कैसे करेंगे इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के थ्रू करेंगे ठीक है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है इसमें यदि वो जीता तो इंसेंटिव मिलेगा और हार गया तो पनिशमेंट मिलेगी है ना तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स कब जब वो पब्लिक को सर्व करेंगे तब अदरवाइज नहीं हार जाएंगे ऐसे ही तो शॉप पे होता है ना ठीक है तो दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज ऐसे इश्यूज रेज करें जो लोग चाहते हैं ना तो डेफिनेटली इनको वोट मिलेंगे पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ेगी है ना और उनके जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे अगला इलेक्शन वो जीतेंगे तो इसलिए क्या करते हैं ये ऐसे इश्यूज रेज करते हैं जो जनता चाहती है ठीक क्लियर है ये चीज यदि इनने वोटर्स को सेटिस्फाई कर दिया तो, तो ये जीत जाएंगे लेकिन यदि वो वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स क्या होगा देअर वर्क दे सॉरी विद वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन नहीं जीत पाएंगे हार जाएंगे और इनके लिए पनिशमेंट होगी ठीक है तो यदि मान लीजिए हम जो कह रहे थे ना कि दे आर मोटिवेटेड ओनली बाई द डिजायर टू बी इन पावर अब यदि इलेक्शन हो रहे हैं और इनका सिर्फ यही एक एम है कि इनको पावर में बने रहना है तो क्या होगा दे आर फोर्स टू सर्व द पीपल क्योंकि सर्व करेंगे तभी पावर में बने रहेंगे है ना तो यही सिस्टम हमने मार्केट में देखा भैया एक दुकानदार है यदि कंपटीशन है तो वो अच्छी सर्विसेज देने के लिए लायबल है और यदि नहीं है तो अच्छी सर्विसेज देने के लिए लायबल नहीं है ठीक है भाई कंपटीशन नहीं हुआ मान लो एक ही दुकान है बोल रहा है चाहिए तो ले वरना जा लेकिन आसपास चार पांच दुकानें हैं कंपटीशन है तो वो डेफिनेटली अच्छी सर्विसेज देगा ठीक है नहीं तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या होता है डेफिनेटली डिविजन कॉज करता है कंट्री में सम अगलीनेस भी होती है इसमें लेकिन फाइनली क्या होता है इट हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल जो भी इसमें बुराइयां हैं वो सब ठीक है लेकिन कुछ भी करो कुछ भी कह लो ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ही वो फोर्स है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को बाउंड करता है एक फोर्स एक मजबूर कर देता है कि आपको लोगों को सर्व करना ही पड़ेगा अदरवाइज अगला इलेक्शन नहीं जीत पाओगे हार जाओगे तो ये हमारे वोट की पावर है ये हमसे प्रोमिस करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास वोट है हालांकि फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं हमारे उल्टा हाल हो जाता है, है ना ठीक है क्लियर है ये चीज़ तो इतना समझ में आ गया भैया कि कैसे ये इलेक्टोरल कंपटीशन जो है ये हमें हमें हेल्प करता है ये इलेक्टोरल कंपटीशन के कारण कैसे लोगों की जो डिमांड्स हैं लीडर्स उन पर ध्यान देते हैं और उनको फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन अगला क्वेश्चन क्या इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं तो हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है तो हम जानते हैं भाई लोकसभा और विधानसभा ठीक है पार्लियामेंट में राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है डायरेक्ट सिर्फ लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड विधानसभा यानी असेंबली ये दो इलेक्शन होते हैं रेगुलरली हर पांच साल में ठीक है साल के बाद, के बाद लोकसभा जो 545 मेंबर्स हैं उन सभी का कैंडिडेचर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है मतलब सॉरी टेन्योर खत्म हो जाता है कैंडिडेचर नहीं कहेंगे ठीक है और वैसे ही राज्यसभा वैसे ही विधानसभा यानी कि असेंब्ली में भी सेम चीज होगी पाँच साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो सभी का जो वहाँ का मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है तो आफ्टर फाइव इयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड हर पाँच साल में ऐसा होता है ठीक है तो हर पाँच साल में लोकसभा या जो विधानसभा है यानी असेंबली है ये डिजॉल्व हो जाती है अब जैसे ही डिजॉल्व होगी तो नई विधानसभा के लिए और नई लोकसभा के लिए फिर से इलेक्शंस होंगे सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एट द सेम टाइम या तो पूरी जगह एक साथ हो जाते हैं या फिर सेम टाइम पे तो सेम दिन तो नहीं होते लेकिन विद इन फ्यू डेज हो जाते हैं ठीक है तो एक ही ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि ए, ए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए आपने इस साल करा ली और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आप अगले साल करा ऐसा नहीं होगा एक ही साथ होंगे हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर हो जैसे कि हमारे यहाँ इतनी सारी लोकसभा कॉन्स्टिटुएंसीज हैं तो सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज में एक साथ नहीं हो पाते तो हमने पाँच छः स्टेट्स में एक साथ करा लिया फिर पाँच छः स्टेट्स में एक साथ करा लिया ऐसे पांच चार या पांच फेजेस में अपन पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट अपने यहाँ होते हैं ठीक है तो ये सारी जो विधानसभाएं हैं इनका भी टेन एवर पांच साल है लोकसभा है इनका भी टेन एवर पांच साल है पांच साल के बाद ये डिजोल्व हो जाती हैं यानी सारे मेंबर की जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और नई लोकसभा और नई विधानसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं अभी ये एक साथ नहीं हो रहे हैं विधानसभाओं के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं और लोकसभा के भी अलग टाइम पर हो रहे हैं है ना लेकिन अब कोशिश चल रही है कि भाई इन सबके के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराए जाए ठीक है अब ये कंडक्ट कराने का प्रोसीजर क्या है ठीक है तो उसके बारे में बात करते हैं ये जो हर पांच साल में इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं इनको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन ठीक है और कई बार ऐसा होता है कि सारी कॉन्स्टिटुएंसीज पर नहीं हो रहा किसी एक कॉन्स्टिट्युएसी पर या दो कॉन्स्टिट्युएसी पर या पांच कॉन्स्टिट्युएंसी पर हो रहा है क्योंकि वो कॉन्स्टिटुंसीज वेकेंट हो गई अब वेकेंट कैसे होती हैं या तो किसी लीडर ने या तो किसी मेंबर ने रिजाइन कर दिया या किसी मेंबर की डेथ हो गई है ना तो कई बार क्या होता है कि ये जो वेकेंसी आती है डेथ या रेजिग्नेशन के कारण इसको फिल करने के लिए पर्टिकुलर उस कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए या दो चार कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए एक साथ इलेक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं बाई इलेक्शंस ठीक है तो क्या होते हैं बाई इलेक्शन इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्युएंसी टू फिल वेकेंसी कॉज्ड बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर दिस इज नोन एज बाई इलेक्शन ठीक है तो ये जो जनरल इलेक्शन हैं और बाई इलेक्शन हैं इनका सिस्टम क्या है कैसे होते हैं यहां पर इलेक्शन तो स्टेप बाई स्टेप चलेंगे सबसे पहला स्टेप क्या होता है कॉन्स्टिट्युएंसी फॉर्म करना ठीक है कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है भाई ये ये हमारी कंट्री का एक एरिया बेस्ड डिवीजन है क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी कंट्री को इलेक्शन के पर्पस से एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है लेकिन याद रखें कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन इक्वल होती है ना कि एरिया एरिया किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कम हो सकता है किसी का ज्यादा हो सकता है लेकिन हर कॉन्स्टिट्युएंसी में पॉपुलेशन लगभग इक्वल होगी एग्जैक्ट इक्वल करना मुश्किल है लेकिन लगभग इक्वल पॉपुलेशन होती है ऐसा क्यों ताकि हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू इक्वल हो यदि हर एक के वोट की वैल्यू अल... यदि हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में पॉपुलेशन अलग अलग हो गई तो वोट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी वोट की वैल्यू तभी इक्वल होगी ना जब जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन ने चुनाओ फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक बात बात करते हैं एक व्यक्ति है ए एक व्यक्ति है बी इस व्यक्ति को लोगों ने इस व्यक्ति को दस हजार लोगों ने चुना है और इस व्यक्ति को बीस हजार लोगों ने चुना है तो इनके वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी वोट की वैल्यू इक्वल कब होगी जब दोनों को दस हजार लोगों ने ही चुना हो तब इनके वोट की वैल्यू सबकी इक्वल है इनकी भी इक्वल इनकी भी इक्वल है है ना यदि अलग अलग नंबर ऑफ पीपल चुनेंगे तो इनके वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है एक एरिया बेस्ड डिवीजन ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन अब लेकिन देखो नेशनल लेवल पर अलग अलग इलेक्शन है स्टेट लेवल पर अलग है और लोकल लेवल पर अलग है तो कॉन्स्टिट्युए भी कई टाइप की होती हैं नेशनल लेवल पर लोकसभा होती है स्टेट लेवल पर विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी होती है और लोकल लेवल पर वार्ड होता है बहुत सारे वार्ड्स को मिलाकर एक विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है और बहुत सी विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज को मिलाकर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी बनती है और सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्युए को मिलाकर कंट्री बन गई ठीक है तो जरा आप इसको हम थ्योरी में देखते हैं हम फिर से इलेक्शन की बात करेंगे हरियाणा में कि नब्बे एम थे नब्बे एमएलए थे मतलब कि भाई इनको क्या नब्बे के नब्बे लोगों को सबने वोट किया जी बिल्कुल नहीं एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक व्यक्ति चुना जाता है तो लोग अपने यहां से एक व्यक्ति को चुनने के लिए वोट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में वोट करेंगे है ना एक लोकल लेवल पर एक स्टेट लेवल पर एक नेशनल लेवल पर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं मैं अपना एक वार्ड मेंबर चुनूंगा और अपना एक मेयर चुनूंगा ठीक है अपना एक वार्ड मेंबर चुना और एक मेयर चुना वार्ड मेंबर हमारे मोहल्ले का हो गया मेयर हमारी सिटी का हो गया ये लोकल लेवल की बात होगी है। फिर बेस फिर उन्हीं वार्ड्स को मिलाकर बहुत सारे वार्ड्स को मिलाकर माने हमारा हमारे वाला उसके वाला वार्ड वार्ड उसके इन वार्ड्स को मिलाकर एक विधानसभा बनी उस विधानसभा का एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा स्टेट लेवल पर तो मैं अपना एक स्टेट लेवल पर एक एमएलए चुनूंगा ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी विधानसभा में जाके चुन सकता हूं अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में ही मैं अपना एक विधानसभा का एमएलए चुनूंगा ठीक है फिर उन विधानसभा कॉन्स्टिट्युए को मिलाकर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्य बनी तो मैं अपना एक लोकसभा पर रिप्रेजेंटेटिव चुनूंगा ठीक है तो हम क्या देखते हैं वी हैव रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग नाइनटी एम एल हैव यू मे दे डिड दैट कैसे किया क्या सभी ने डिड एवरी वन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द नाइनटी एम एल एज बिल्कुल नहीं यू दिस इज नॉट द केस इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है द कंट्री इज डिड इंटू डिफरेंट एरिया क्या है द कंट्री इज डिड इंटू डिफरेंट एरियाज फॉर द परपज ऑफ इलेक्शन दीज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएसीज ठीक है द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ठीक अब लेकिन ये एक नेशनल लेवल पर एक स्टेट लेवल पर एक लोकल लेवल पर ऐसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ठीक है सबका जूरिस्टिक्शन अलग अलग है ठीक अब लोकसभा की बात करें मैंने आपको बताया लोकसभा में टोटल मेंबर्स होते हैं 545, लेकिन इसमें से दो लोग जो होते हैं 543 तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और दो लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ठीक ये दो लोग होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अब लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया है अब ये दो लोग जो हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होना कंपलसरी नहीं है ठीक है तो लोकसभा को हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को 543 फोर्टी में डिवाइड किया है अब ये 543 फोर्टी ये देखिए भाई हमको दिख रहा है ये एरिया यहां पर इनका है ना देख रहे हैं ये देखिए कितना बड़ा एरिया है और यहां देखो कितने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है इन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर एरिया जो है कॉन्स्टिट्युएंसीज का बहुत कम है और यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है तो जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ एरिया ज्यादा है क्योंकि हमको क्या इक्वल रखना है कॉन्स्टिट्युएसीज में पॉपुलेशन क्यों रखना है ताकि सबके वोट की वैल्यू इक्वल हो ठीक है तो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी ठीक है लोकसभा में वन ऑफ द फीचर ऑफ द ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू ये अभी हमने डिस्कस किया ठीक है दिस इज वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ इक्वल एवर है रफली क्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट एग्जैक्ट इक्वल करना बहुत मुश्किल है इसलिए हमने क्या कहा रफली इक्वल होनी चाहिए ताकिफिल हो, हो सके ठीक है सेम चीज क्या होगी स्टेट वाइज होगी है ना इच स्टेट इज डिडेड इंटू अफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्य हर एक स्टेट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युए में डिवाइड किया जैसे कि हरियाणा में कॉन्स्टिट्युए हैं मध्य प्रदेश में दो सौ तीस है ऐसे ही हर एक स्टेट को डिवाइड किया हुआ है विधानसभा कॉन्स्टिट्युए में ठीक है इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए ठीक है अब हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्युएसीज हो सकती हैं जैसे कि ये गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट की बात करें ये देखो भाई ये है गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट एक गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट का एरिया अलग था दिख रहा है लेकिन गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये लोकसभा में देखो कितनी सारी विधानसभा हैं एक दो तीन चार पांच छत एक लोकसभा में सात विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है और डिस्ट्रिक्ट का एरिया तो कुछ अलग ही दिख रहा है ठीक है हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया किसी और कॉन्स्टिट्युएसी में आ रहा हो क्यों क्योंकि पॉपुलेशन इक्वल करनी है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अलग है और इलेक्टोरल डिवीजन ये अलग है ठीक है भाई तो हमने क्या कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में ठीक है और एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्युए हो सकती हैं ठीक है द सेम प्रिंसिपल फॉर पंचायत एंड म्यूनिसपल इलेक्शन यहां पर क्या होते हैं वार्ड होते हैं है ना ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स ये भी क्या है कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं और ये सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इन्हीं वार्ड्स को मिलाकर क्या बनेगी विधानसभा कॉन्स्टिट्युए बनेगी तो ये क्या करते हैं लोकल लेवल पर ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी रूरल एरियाज में भी वार्ड मेंबर होते हैं अर्बन एरियाज में भी वार्ड मेंबर होते हैं ठीक है रूरल एरिया के जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं पंच और अर्बन एरिया का जो वार्ड मेंबर होता है उसको हम कहते हैं पार्षद ठीक है फिर समटाइम्स क्या होता है समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स जैसे हमने कहा ना हरियाणा में 90 एम एल ए नाइंटी सीट्स ठीक है फॉर ईच कॉन्स्टिट्युएंसी रिप्रेजेंट ईच कॉन्स्टिट्युएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल लिया कि लोक दल ने साठ सिक्सटी सीट जीती मतलब कि लोक दल ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में जीत हासिल करी 60 एमएलए उनके इलेक्ट हुए ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत ध्यान से याद रखना है ठीक कि है, है? है किसके लिए रिजर्व है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब याद रखना नेशनल लेवल पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही सीट्स रिजर्व हैं नेशनल लेवल मतलब क्या लोकसभा के लिए ठीक है लोकसभा में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व हैं ओबीसी और विमेन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है बहुत से लोग गलती करते हैं याद रखना ओबीसी और वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व कहाँ हैं लोकल इलेक्शन में ठीक है लोकल इलेक्शन में सीट रिजर्व है इनके लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर सिर्फ किसके लिए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, लिए। यह गलती नहीं करेंगे ठीक है अब ऐसा क्यों किया गया इस पर फोकस करते हैं ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों बनाएंगी बहुत जरूरी है समझना इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मालूम था कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि यदि उनको ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन फेस करना पड़ा तो वो कभी जीत ही नहीं पाएंगे और उनकी जो आवाज है वो पार्लियामेंट तक या ऐसा कहें गवर्नमेंट तक दोनों तक लॉ मेकर यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव तक इनकी बात पहुंच ही नहीं पाएगी इनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा बताओ फिर काई की डेमोक्रेसी ठीक है ना तो क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे दे दे दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन सेक्शंस की बात कर रहे हैं मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये डर था इनको इसीलिए अच्छा और इस डर के और क्या कारण थे ऐसा डर क्यों लग रहा था जरा तो तो उस पर बात करते हैं ठीक है क्यों नहीं जीत पाएंगे क्या कारण उनको क्यों लग रहा था ऐसा नहीं होगा डर क्यों था ऐसा क्योंकि उनको मालूम था कि इन लोगों के पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेस नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए एजुकेशन नहीं है और कॉन्टैक्ट नहीं है बिना कॉन्टैक्ट के तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते ना और ये कॉन्टेक्ट्स के लिए क्या चाहिए एजुकेशन एंड रिसोर्सेस ठीक है तो इनको मालूम था कि भैया ना इनके पास कॉन्टैक्ट हैं ना एजुकेशन है ना रिसोर्सेज हैं तो ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इनको इलेक्शन जीतने ही नहीं देंगे जो लोग इंफ्लुएंशियल हैं जो रिसोर्सफुल हैं वो इन लोगों को इलेक्शन जीतने ही नहीं देंगे वो अपने सारे रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे कि ये इलेक्शंस ना जीत पाए ये डर था इनको इसीलिए इन्होंने रिजर्वेशन का एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है ना तो यदि ऐसा हो जाता तो क्या होता आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज दोनों जगह बात कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ अवर पॉपुलेशन ठीक है और यदि ऐसा होता तो क्या होता दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक ठीक है इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिटेंसीज बनाया किसके लिए वीकर सेक्शंस के लिए कौन से वीकर सेक्शंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इनके लिए ठीक है तो हमारे यहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व हैं कितनी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए 84 एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 ये कब का डेटा है 26 जनवरी 2019 का ठीक इतनी सीट्स रिजर्व हैं आउट ऑफ 543 ठीक है तो टोटल कितनी है 543 हैं इसमें से 84 रिजर्व किसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सेवन शेड्यूल ट्राइब के लिए ठीक है अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है अपन को कि भाई सबसे ज्यादा लोकसभा कौन सी स्टेट में है तो आंसर क्या होगा हमारा उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश जो है यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएसीज हैं कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्युए हैं 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्युएसीज हैं ठीक है थीके? उसके बाद यदि हम देखते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पास कितनी है महाराष्ट्र के पास 48 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ठीक है तो ये सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्युवेंसीज में सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश के पास उसके बाद महाराष्ट्र के पास और यहाँ बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास एक एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युवेंसी है जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक है चंडीगढ़ में एक है हमारे मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं दम, आ, दिल्ली को छोड़कर और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर हम देख रहे हैं कि एक एक लोकसभा कॉन्स्टिटुएंसी है ठीक है तो ये डेटा अपन को याद रखना है कि कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूवेंसीज कहां पर हैं ठीक लेकिन याद रखेंगे सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही सीट्स रिजर्व हैं बाकी लोगों के लिए नहीं अब कई बार लोग कहने लगते हैं भैया इससे तो राइट टू इक्वेलिटी खत्म हो रहा है तो क्या करें राइट टू इक्वेलिटी बचाने के लिए तो भैया इससे राइट टू इक्वेलिटी जा ही नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं इक्वालिटी की बात नहीं करते इक्वालिटी के कारण क्या होगा आप कमज़ोर को और मजबूत को एक से तराजू में तोलोगे जो कमज़ोर होता है उसको सपोर्ट चाहिए होता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी ना जब थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और एक और पॉइंट यहाँ पर कि जो रिजर्वेशन है ये कित कितना है जितनी उनकी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है तो जो अदर कम्युनिटीज हैं उनका शेयर कहीं नहीं जा रहा है ना तो ये जो नंबर है ये किसके प्रोपोर्शन में है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन तो हम क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट इन शेड्यूल ट्राइब डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप ठीक है किसी अदर सोशल ग्रुप का लेजिटिमेट शेयर उसमें से नहीं जा रहा है क्लियर हो गया ये चीज अपन को ठीक है तो ये जो सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये बाद में कुछ दूसरे सेक्शंस को भी लोकल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया जैसे कि पंचायत लेवल पर अपन बात करें तो किसके लिए सीट्स रिजर्व हैं विमेन के लिए और ओबीसी के लिए लेकिन ये याद रखना ये स्टेट पर डिपेंडेंट है तो ये वेरी करता है हालांकि विमेन का फिक्स है ओबीसी के लिए तो स्टेट वाइज वेरी करता है लेकिन विमेन के लिए फिक्स है कितना वन थर्ड सीट्स कितनी है वन थर्ड सीट्स लोकल बॉडीज में ये स्टेट और नेशनल लेवल पर नहीं है लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में उनके लिए ये सीट्स रिजर्व हैं विमेन के लिए वन थर्ड फिक्स है और ओबीसी का स्टेट वाइज वेरी करता है तो ये हमारा पहला स्टेप था इलेक्शन कंडक्ट कराने का कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रेम करना ठीक है अब हम आते हैं दूसरे वाले पे वोटर्स लिस्ट भाई तो देखो अब जो वोट कर सकते हैं वो मतलब ये डिसाइड करना कि वोट कौन कर सकता है ये डिसीजन किसी पे भी नहीं छोड़ा जा सकता और आखिरी समय के लिए इसके लिए नहीं रोक सकते हैं ना तो एक बार कॉन्स्टिट्युएंसी बन गई तो अगला जो स्टेप होता है वो ये कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं ये डिसाइड करना और ये डिसीजन किसी भी किसी भी व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कौन ये डिसाइड करता है कौन वोटर लिस्ट तैयार करता है है ना तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अपने कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वो लोग जो वोट कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है ठीक है और ये जो लिस्ट होती है बहुत पहले ही तैयार कर ली जाती है इलेक्शन के है ना और ये हर किसी को अवेलेबल कराई जाती है ठीक ऐसा नहीं है कि ये वोटर लिस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेगी वोटर लिस्ट सभी के लिए अवेलेबल होती है ठीक है इस लिस्ट को जो कि हम वोटर लिस्ट कह रहे हैं यह वोटर लिस्ट एक ऑफिशियल नेम नहीं है हम एक जनरल लैंग्वेज में वोटर्स लिस्ट बोल देते हैं इसको बट इसका ऑफिशियल नेम क्या है इलेक्टोरल रोल ठीक है इलेक्टोरल रोल इसको बोलते हैं अपन ऑफिशियली बट इन जनरली या कॉमन भाषा में हम बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं वोटर्स लिस्ट ठीक है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेसी की जो एक मेन uh, जो डेफिनेशन होती है उसमें हमने ये पढ़ा था उसके जो फीचर्स होते हैं उसमें हमने ये पढ़ा था एवरी वन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रजेंटेटिवस है ना हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल है ना और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग चुने सभी लोग चुने है ना इसलिए हमने क्या कहा कि हर किसी के पास क्या होना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ये होना चाहिए यही तो डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन से जुड़ी हुई है ना है ना तो हम क्या कहते हैं ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे उसकी एज सॉरी जो है 18 साल से ज्यादा हो फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का हो किसी भी रिलीजन का हो किसी भी कास्ट का हो किसी भी रीजन में रहता हो रिच हो पुअर हो लिटरेट हो इलिटरेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया में यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है तो वो वोट कर सकता है ठीक है तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए वोटिंग राइट प्रोवाइड करने में ठीक तो हम क्या कह रहे हैं इन प्रैक्टिस इट मीन दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू तो यहां पर जो हमने ये कहा ना कि एवरी वन शुड में कौन आ रहा है भाई सभी लोग किसी भी चीज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ठीक है ये चीज अपन को याद रखनी है ठीक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी में हमने क्या कहा कि ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेमोक्रेसी में वो क्या होता है कि हर किसी के पास एक वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने रूलर्स इलेक्ट करने की अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने की और वो हम करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर किसी के पास वोट होना चाहिए और हर एक के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है अब ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति डिफरेंट है और एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं तो अब जैसे मैंने अब बहुत सारे क्राइटेरिया बताए जेंडर है रिलीजन है कास्ट है लिटरेसी है, है ना और रिच है कि पुअर है तो यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कई कई मायनों में जैसे कि सम आर रिच सम आर पुअर सम आर हाईली एजुकेटेड सम आर नॉट एजुकेटेड और सम आर नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट एजुकेट ऑल एजुक सम आर काइंड एंड अदर्स आर नॉट सो काइंड ठीक होता है ये चीज में भूल गया था बताना कि भाई कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अंदर दया भावना ज्यादा होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दया भावना नहीं होती है ठीक है तो ये सब तरीकों से हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन इस सब के बावजूद भी उन सभी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए क्योंकि वो सभी क्या है ह्यूमन बींग्स हैं उनकी खुद की नीड्स हैं और अपने यूज है ठीक है इसीलिए हम क्या कह रहे हैं सबके पास इक्वल से होना चाहिए इक्वल पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की है ना इक्वल सेंट डिसीजंस दैट अफेक्ट देम हम डिसीजन जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर हम उसका असर हमारे ऊपर होगा इसलिए हम कह रहे हैं हर एक के पास बराबर का हक होना चाहिए उसमें बोलने का ताकि भैया किसी को कोई समस्या ना हो होती भी है तो उसमें हम ये तो कह सकते हैं कि चूंकि हमने खुद डिसीजन लिया है हमने खुद सोचा है तो इसमें अपन ये नहीं कह पाएंगे कि भाई किसी और ने किया उसने हम गलती कर दी है ना दूसरों को दोष नहीं देंगे हमने अपना डिसीजन खुद लिया ना है ना तो ये कैसे मिलता है हमने यदि चुना मान लो किसी को गलत भी चुन लिया उसने सही नहीं किया तो वो हमने खुद चुना ना कोई हम पर दोषारोपण नहीं कर पाएगा या हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हमारी कंट्री में सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो वोट कर सकते हैं ठीक है और याद रखिएगा ये जो राइट टू तो वोट है ये किसी भी चीज के बेसिस पर अफेक्ट नहीं होता अठारह साल या उससे ज्यादा हो और किसी भी कास्ट का हो किसी भी रिलीजन का हो किसी भी जेंडर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आपके पास राइट टू वोट होगा लेकिन क्या किसी को ये राइट टू वोट डिनाय किया जा सकता है बिल्कुल कुछ क्रिमिनल्स होते हैं या पर्सन विद अनसाउंड माइंड होते हैं जिनको ये वोटिंग राइट डिनाय किया जा सकता है लेकिन ये भी कौन डिसाइड करेगा ये कोर्ट डिसाइड करता है ठीक है ऐसा नहीं है कि सारे क्रिमिनल्स को वोटिंग राइट right नहीं मिलता कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिसको वोटिंग राइट right नहीं मिलता ठीक है बट सारे लोगों के पास वोटिंग राइट right है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स करते हैं उनको वोटिंग राइट डिनाई किया जाता है जो पर्सन विद अनसाउंड माइंड मतलब जो सोच समझ नहीं सकता ठीक से उसको वोटिंग राइट डिनाई किया जा सकता है अब क्वेश्चन ये आता है हमने शुरुआत में ही कहा कि भाई ये जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी है ये किसी पर भी नहीं छोड़ी जा सकती है ना तो ये वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन है ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है गवर्नमेंट की है किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी 18 साल का हो गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में आए और जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं कोई एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है तो उसका नाम एक कॉन्स्टिट्युएंसी की वोटर लिस्ट से हटाकर दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी की वोटर लिस्ट में ऐड करना हालांकि इसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं तो हमें अप्लाई करना होता है कि भाई हमारा नाम जो है वहां से हटाकर यहां ऐड कर दिया जाए ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट ठीक है अ न्यू पर्सन अटेनिंग वोटिंग एज नेम्स वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ द प्लेस और दोज डिलीटेड ठीक है तो नए नाम एड करना जो वहां से मूव हो गए हैं या जो जिनकी डेथ हो गई उनके नाम वहां से डिलीट कर देना ये सब किसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की तरफ से ये कौन करता है इलेक्शन कमीशन करता है इसमें सारी एजेंसीज इनकी हेल्प करती हैं लोग भी हेल्प करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता भी हेल्प करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि भाई उनको वोटर लिस्ट का पता होना चाहिए कौन हमारा वोटर है कौन नहीं है है ना ठीक है अब ये जो वोटर लिस्ट होती है इसमें ये सारे चेंजेस जो है ना ऐसा डेली नहीं कर सकते करते तो है मान लो मैं आज गया मैं आज जाके अप्लाई करूं तो हो जाएगा चेंज ठीक है मान लो मैं अपने गांव में रहता था गांव से मैं शहर में शिफ्ट हो गया मैंने अपना जो नाम है मेरा गांव किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था वो शहर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है तो मैंने वहां से अपना नाम शिफ्ट कराया किसी भी समय करा सकता हूँ है ना लेकिन इसके लिए कई बार गवर्नमेंट कैंपेन्स भी चलाती है लेकिन हर पाँच साल में ये जो वोटर्स लिस्ट होती है इसका कंप्लीट रिविजन होता है ताकि ये जो लिस्ट है ये अप टू डेट रहे ठीक अब ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो गई है लेकिन अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी अब वोटर लिस्ट है वोटर लिस्ट में हमें नाम दिख रहा है शक्ल नहीं दिख रही तो कई बार फर्जी वोटिंग हो सकती है कोई भी जाके कह सकता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा गाँव में नाम है राहुल सिंह वोटर लिस्ट में अब मैं गया ही नहीं गाँव वोट देने के लिए लेकिन कोई और चला गया मैं राहुल सिंह हूँ तो फर्जी वोटिंग हो जाएगी है ना तो ऐसी समस्या से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए ठीक है और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कोशिश करता है कि हर एक वोटर को ये कार्ड प्रोवाइड कराया जाए ठीक है तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हर व्यक्ति के पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो जिसमें उसकी फोटो हो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड ठीक तो हर एक व्यक्ति को ये कार्ड ले जाना होता है जब वो वोट डालने जा रहे हैं हालांकि इसे अभी कंपलसरी नहीं किया है ठीक है ये वोटर्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड जब वोटिंग करने जा रहे हैं लेकिन क्या है ये अभी कंपलसरी द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग आप कोई और आइडेंटिटी प्रूफ देकर भी वोट डालने जा सकते हो जैसे कि राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज की जा सकती हैं वो लेकर आप जाएं और वोट डालकर आ सकते हैं ठीक है तो ये वोटिंग आईडी कार्ड अभी कंपलसरी नहीं है ठीक है तो दो स्टेप हो गए अपने पहला कॉन्स्टिट्युएसी फॉर्म करना और दूसरा लिस्ट तैयार करना उन लोगों की जो वोट डाल सकते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल ठीक तीसरा तीसरा स्टेप क्या होता है इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट

कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वो वोट कर सकता है लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज होती है ट्वेंटी फाइव ईयर्स है ना हम विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं ठीक है लोकल इलेक्शंस में ये थोड़ी सी कम होती है लेकिन हम चूंकि लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्वेंटी फाइव ईयर्स या उससे ज्यादा की एज के लोग ही इसमें नॉमिनेशन भर सकते हैं ठीक है तो अब क्या होता है भाई देखो हमने पढ़ा था कि कंपटीशन होना चाहिए रियल चॉइस होनी चाहिए जब लोग फ्री होंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तो तभी तो हम देखेंगे कि लोगों को रियल चॉइस मिलेगी है ना तो हमने ये पढ़ा था कि पीपल शुड हैव रियल चॉइस और ये कब हो सकता है जब कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो ठीक है और इसीलिए हम ये देखते हैं कि हमारे यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी व्यक्ति जो एक वोटर होता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है सिर्फ डिफरेंस क्या है एज का कि 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं ठीक है अब जैसे हमने कहा था कि जो वोटर्स होते हैं उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एक्सट्रीम केसेस में वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने बहुत ही हीनियस क्राइम किए हों या क्राइम प्रूफ हो गया हो है ना देखो कई बार क्या होता है कि केस होता है केस होता है तो रिमांड पे ले लेते हैं जेल में डाल देते हैं लेकिन प्रूव नहीं हुआ कि वो गिल्टी है है ना तो उसको वोटिंग सॉरी उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से आप रोक नहीं सकते वो जेल में रहते हुए भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है ठीक यदि क्राइम प्रूव हो गया कि जिस चीज के लिए उसको अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया वो उसने किया है तो डेफिनेटली फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता ठीक है उसमें भी कुछ सालों का एक प्रतिबंध लगता है ठीक है तो देर आर सम अदर ऑन क्रिमिनल्स एक रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया एज वाला कि 25 साल से कम है तो कंटेस्ट नहीं कर सकते हो दूसरा रिस्ट्रिक्शन कुछ क्रिमिनल्स पर होता है ठीक लेकिन ये भी बहुत एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होते हैं ठीक है अब ये कैंडिडेट जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं या फिर पार्टी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं पार्टी क्या करती है पार्टी अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करती है नॉमिनेट करना मतलब बताना कि भाई ये व्यक्ति जो है ये हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा इस वाली कॉन्स्टिट्युएसी से ये नॉमिनेशन होगा पार्टी का तो पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं पार्टी टिकट है ना पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट ठीक है तो भैया या या तो इंडिपेंडेंट है या किसी पार्टी का कैंडिडेट है और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है अब जो भी इलेक्शन लड़ रहा है चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या पार्टी का मेंबर हो उसको क्या करना पड़ेगा एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी एज सिक्योरिटी ये सिस्टम क्यों बनाया गया हमारे यहां इसीलिए क्योंकि देखो भाई यहां पर एक ही एज एक ही क्राइटेरिया है कि इंडिया का सिटीजन हो और एज ट्वेंटी फाइव ईयर से ज्यादा हो है ना तो ऐसे में तो कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करने लगा आप पता चला सौ दो सौ लोग इलेक्शन में खड़े हो गए चाहे उनको वोट भले ही ना मिले तो क्या किया इलेक्शन कमीशन ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक क्लॉज लगा दिया कि इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा और ये पैसा तभी वापस मिलेगा जब आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट मिले है ना एग्जाम्पल सिक्सटीन परसेंट है ना कि सोलह परसेंट यदि आपको वोट मिले तो यह पैसा वापस मिले नहीं तो यह सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं ना जमानत जब्त हो जाना इतने बुरे तरीके से हारे कि जमानत जब्त हो गई क्या वोट ही नहीं मिले ठीक है ना तो इसीलिए यह सिस्टम बनाया ताकि हर कोई जो सीरियस नहीं है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे जो इलेक्शंस के लिए सीरियस हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करें इसीलिए यह सिस्टम बनाया तो जो भी व्यक्ति इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर, करना चाहता है उसे क्या करना होगा नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा ठीक इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हर वो व्यक्ति जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है उसे एक डिक्लरेशन uh, साइन करना होता है लीगल डिक्लेरेशन ठीक है जिसे हम हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं जिसमें वो अपनी जानकारी देता है ठीक है तो ये जो लीगल डिक्लेरेशन होता है ये क्या इसमें क्या बताना होता है इनको शपथ पत्र में क्या बताना होता है इनको अपना तीन चीजें बतानी होती हैं कौन सी तीन चीजें बतानी होती हैं भाई एक कि उनके अगेंस्ट कौन से सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं है ना पेंडिंग याद रखना अभी प्रूव हो जाता कि ये क्रिमिनल हैं तो ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते थे लेकिन बताना पड़ेगा सीरियस क्रिमिनल केसेस कौन कौन से पेंडिंग है उस कैंडिडेट के अगेंस्ट दूसरा क्या उनके पास और उनके परिवार के पास क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटी है ठीक है मतलब कितनी प्रॉपर्टी और कितना कर्जा है ठीक और तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अब क्वेश्चन यह आता है क्या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कोई हमने अभी पढ़ा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है और 25 साल से ज्यादा उम्र का है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है तो फिर ये क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अपने एफिडेविट में वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताएंगे ऐसा इसीलिए किया गया ताकि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनको पता तो रहे कि जिस कैंडिडेट को वो चुन रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है ठीक तो इसीलिए क्राइटेरिया ऐड किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी है ना क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है यह चीज याद रखना है बहुत ध्यान से अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों हर जगह तो हम कह रहे हैं ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हम कह रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ऐसा क्यों होना चाहिए भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए बनाना चाहिए था ना कि भैया जो ग्रेजुएट है वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हम जरा समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना वाई देर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन वेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री इवन प्यून की जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि दसवीं पास हो सरकारी में ना कि आठवीं पास या दसवीं पास होना चाहिए लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं ना कि भाई वो आगे चल के हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा डिसीजंस लेगा उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसा क्यों है भैया ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहां पर आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए आप अपने लोगों के प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के सामने ला सकें और उनको सॉल्व कर सकें उसका स्किल आपके पास होना चाहिए ये जरूरी नहीं है कि जो दसवीं पास नहीं है वो डिसीजन नहीं ले सकता या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं पढ़े लिखे थे इतने लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग आती थी कहानियों से इतना सीख जाते थे हमारे शास्त्रों से पुराणों से इतना सीख जाते थे कहानियां सुन सुनकर एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन सुनकर वो इतना सीख जाते थे कि वो डिसीजन ले सकते थे है ना तो ये वही बात हो गई ना कि भाई सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन खेलने में अच्छे है ना ये क्रिकेट वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू द काइंड ऑफ टू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स है ना सारे जॉब्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट क्राइटेरिया नहीं होता है द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्टिंग द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्री क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है तो एजुकेशनल डिग्री उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल ठीक है जैसे इसके लिए कह रहे हैं वैसे ही हम इसके लिए कहेंगे कि सिमिलरली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बींग एमपी क्या होता है इस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स प्रॉब्लम्स एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ठीक है क्या है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक एमपी या एमएलए बनने के लिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसनस प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए ठीक है तो वो वो लोग जो हैं, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नेता बन सकते हैं एम पी या एम एल ए बन सकते हैं ठीक है क्लियर है ये चीज और जो चीज हम अभी कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर है डेमोक्रेसी है ना तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसको चूज करें हम चाहें तो पढ़े लिखों को चूज़ करें या हम अनपढ़ गवार को चूज़ कर लें है ना ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ है तो गवार भी होगा ठीक है कई बार ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है क्योंकि उनका लाइफ का एक्सपीरियंस खुद का बहुत ज़्यादा है ठीक है ना तो एक चीज़ ये मिल गई कि भाई जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है एम पी या एम बनने के लिए वो क्या है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है दूसरी चीज क्या कि भाई इतने सारे लोग जो लिटरेट नहीं हैं, मान लो अपन ने एक क्वालिफिकेशन दे दी कि दसवीं पास अब भाई इंडिया में तो सिर्फ मान लो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लोग ही टेंथ पास हैं फोर्टी परसेंट लोग टेंथ पास ही नहीं है तो फिर वो इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो ये राइट टू तो इक्वेलिटी के अगेंस्ट हो गया है ना तो मान लीजिए हम दूसरा एक क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि इफ इफ इवन एजुकेशन वाज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू द एजुकेशन है ना एक पॉइंट ये हो गया तीन पॉइंट होंगे एक अपन ने देख लिया कि रिलेवेंट क्राइटेरिया क्या है दूसरा कि भाई मान लो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तब भी किस पर छोड़ देना चाहिए लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि ये जो आ, किसको चुनना चाहते हैं तीसरा जो मैं बता रहा था आपको इन अवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैसे फॉर यट एन अदर रीजन क्या होता है वो इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये हो जाएगा प्रॉब्लम बहुत सारे लोग कंट्री के अब देखो अभी तो फिर भी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो काफी बढ़ गई है सेवेंटी परसेंट से ऊपर हो गई सेवेंटी थ्री सेवन परसेंट हो गई है ना लेकिन जब आजादी मिली थी तब तो लिटरेसी रेट सिर्फ अट्ठारह परसेंट थी और लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि सब आठवीं पास है या दसवीं पास है बस ये है कि लिटरेसी मतलब वो पढ़ना लिखना जानते हैं है ना तो उस समय यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा देते तो सिर्फ अट्ठारह लोग ही शायद इलेक्शन कंटेस्ट कर पाते बाकी के 82 परसेंट तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर पाते तो वही हम यहां कह रहे हैं कि यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा दिया इसका मतलब क्या डिप्राइविंग अ ऑफ कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ठीक है अब ऐसा किया तो राइट टू इक्वेलिटी छिन गया डेमोक्रेसी का तो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो जाएगा है ना तो ये तीन रीजंस हैं जिसके कारण हम कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए ठीक इसमें यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप डाउट पूछ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपन क्या होता है नॉमिनेशन हो गया फॉर्म भर के सबमिट कर दिया कि भैया हमको इलेक्शन लड़ना है ठीक अगला स्टेप क्या होता है इलेक्शन कैंपेन कैंपेन चलाना अपना मतलब प्रचार करना है ना हम जानते हैं भैया ये बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि हम किसको चूज करें ये सिलेक्ट करने के लिए हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए और ये इलेक्शन कैंपेन से पता चलता है हमको है ना तो ये इलेक्शन कैंपेन का पर्पज क्या है द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज इलेक्शन से हम क्या चूज कर रहे हैं हम चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी गवर्नमेंट और वो पॉलिसीज जो हम प्रेफर करते हैं है ना और ये कब हो पाएगा जब प्रॉपर डिस्कशंस हो है ना तो देअर फॉर इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है भाई वो व्यक्ति अपने बारे में, बारे में बताएगा अपनी पार्टी के बारे में बताएगा और अपनी पार्टी की पॉलिसीज के बारे में बताएगा तो ये कब होगा जब इस पर ओपन डिस्कशन होंगे दैट हु इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव विथ पार्टी विल मेक बेटर गवर्नमेंट एंड व्हाट इज गुड पॉलिसी पॉलिसी पर भी तो हो लोग बोल रहे हैं हम ये पॉलिसी बनाएंगे हम ये बनाएंगे सब एक दूसरे की कमियां भी बताएंगे सब एक अपनी अपनी एडवांटेजेस भी बताएंगे है ना तो इलेक्शन कैंपेन्स तो बहुत जरूरी हैं और जनरली ये कब होते हैं होते तो वैसे बहुत लंबे समय तक हैं लेकिन जो एक मेन टाइम है इनके इनके कैंपेन्स का वो कब होता है नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना और सॉरी नॉमिनेशन uh, नहीं uh, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद फाइनल लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन बताता है कि ये लोग यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इलेक्शन की जो डेट होती है इसके बीच में जनरली दो वीक्स का गैप होता है ये जो दो वीक्स का समय होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स का टाइम होता है लेकिन हमने देखा था देवीलाल की स्टोरी में कि कितने सारे महीनों से वो इलेक्शन <coughs> कैंपेन्स कर रहे थे है ना तो इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है लोगों के बीच में ओपन पब्लिक डिबेट्स होते हैं। किन चीजों को लेकर कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है किसकी पार्टी बेहतर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और बेहतर पॉलिसी क्या होती है ठीक है तो यह होता है इसमें ठीक तो हमारे यहां पर कब होता है जनरली दो वीक का पीरियड होता है बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग ठीक ये वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं अब ये क्या करेंगे वो मुद्दे उठाएंगे जो लोग चाहते हैं सुनना है ना फॉर एग्जाम्पल अभी अपन यहां देखते हैं कुछ ज्वलंत मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाए है, है ना उसके बारे में अपन पढ़ते हैं है ना कुछ न्यूज की हम बात करेंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन में हर जगह जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में अपन को इस समय नजर आएगा ठीक तो ये इलेक्शन कैंपेन्स में क्या क्या चलता रहता है लोग डिबेट्स करते रहते हैं अपने बारे में अच्छाई बताएंगे दूसरे के बारे में बुराई बताएंगे ठीक है और ये इलेक्शन कैंपेन कब बंद हो जाते हैं पोलिंग के फोर्टी आवर्स पहले ठीक है तो इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी किस चीज पर फोकस करती हैं उन इश्यूज पर उन बड़े इश्यूज पर जो लोग चाहते हैं सुनना ठीक है तो अब यहां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हम एग्जाम्पल लेते हैं ठीक सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की ठीक है इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, में जो इलेक्शन हुए थे कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ ठीक है क्या नारा दिया इन्होंने गरीबी हटाओ उस समय सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी है ना तो इन्होंने कहा कि भैया हमारी गवर्नमेंट जो है उसका मेन फोकस गरीबी हटाने पर रहेगा ठीक है तो जो पार्टी है वो क्या कर रही थी वो कह रही थी सारे लोगों को बता रही थी कि भाई हम अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी सारी पॉलिसीज़ किस चीज से रिलेटेड बनाएंगे पॉवर्टी रिमूवल से रिलेटेड पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स हम बनाएंगे है ना तो पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री सबसे बड़ा मुद्दा उस समय यही था पोवर्टी ठीक है लेकिन इन्हीं इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी जो तो 1977 तक चली है ना और फिर 77 में जब में जब इमरजेंसी हटी तो दोबारा से इलेक्शन हुए उस समय एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता पार्टी ठीक है इस पार्टी ने एक नया नारा दिया सेव डेमोक्रेसी ये कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तो आप क्या आप कांग्रेस को वोट मत कीजिए आप हमें वोट कीजिए जनता पार्टी को वोट कीजिए और इनके उस समय के लीडर थे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट लीडर जो थे वो थे मिस्टर जयप्रकाश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका इंडियन पॉलिटिक्स में इनके बारे में पढ़ें आप तो बहुत सी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी ठीक है तो पार्टी क्या प्रॉमिस कर रही है पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड बाय सॉरी कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज ठीक है ये कह रहे हैं कि जो भी गलत किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग इमरजेंसी हम वो सब हटा देंगे और जो सिविल लिबर्टीज हैं वो वापस से रिस्टोर करेंगे बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसे लिबर्टीज थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने छीन ली थी ये कह रहे थे हम वो सारी सिविल लिबर्टीज जो है वापस रिस्टोर करेंगे इसी समय 77 में ही वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुए यहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल करना चाह रही थी और रूल किया भी इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने नारा दिया लैंड टू द दिलर क्यों क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स ठीक से नहीं हुए जमीन जो किसानों को दी जानी चाहिए थी वो जमीन किसानों को नहीं मिल पाई लैंड रिफॉर्म्स में लैंड सीलिंग एक्ट आया सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती होगी तो गवर्नमेंट ले लेगी और उन लोगों को दे देगी जिनके पास नहीं है है ना लेकिन ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुए थे है ना? तो लेफ्ट फ्रंट जो था कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी दे यूज द स्लोगन लैंड टू द टेलर इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इन नाइनटीन है ना लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल ना होने के कारण ठीक फिर हम बात करते हैं आंध्रा की आंध्र प्रदेश में एन टी रामाव इन्होंने नारा दिया प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगूज ठीक है तेलुगूज़ आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी ने यह नारा दिया 83 के असेंबली इलेक्शंस में इस इस नारे के दम पर वो इलेक्शन जीते और कई बहुत लंबे समय तक वो वहां के सीएम भी रहे ठीक है तो ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हुआ करते थे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रेस किए ताकि वो इलेक्शंस में वोट गेन कर सकें और जीत सकें ठीक है तो हमने ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस में लोग फ्री होने चाहिए इलेक्शन कैंपेन्स करने के लिए है ना उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए लेकिन यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा तो चीटिंग हो जाएगी इसीलिए इन इलेक्शन कैंपेन्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं है ना तो डेमोक्रेसी में हम ये कहते हैं कि सबसे बढ़िया क्या होता है लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स द वे दे वांट लेकिन ऐसा करने में चीटिंग हो सकती है इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कभी कभी ये नेसेसरी होता है टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर क्या इंश्योर करने के लिए दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कंपीट ठीक है कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूरी हैं ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स को इक्वल एंड फेयर चांस मिले है ना नहीं तो क्या होगा अनफेयर मीन यूज करेंगे जीतने के लिए जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर वोट खरीद लेगा जो गुंडा है वो धमकी देकर वोट खरीद लेगा है ना? तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूरी है ना पार्टीज़ पर और कैंडिडेट्स पर तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जरा उस पर अपन ध्यान देते हैं क्या रिस्ट्रिक्शन है नो पार्टी और कैंडिडेट है ना ये सबके साथ जाएगा ध्यान से सुनिएगा नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स किसी भी वोटर को पैसा खिलाकर वोट नहीं ले सकते या उसको डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते ठीक है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन कास्ट के नाम पर और रिलीजन के नाम पर वोट की डिमांड नहीं कर सकते नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन्स ऐसा नहीं है कि जो पार्टी रूल कर रही है वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस का यूज करे इलेक्शन कैंपेन्स के लिए है ना एंड लास्ट नो पार्टी और कैंडिडेट कैन स्पेंड मोर देन ट्वेंटी लाख इन कॉन्स्टिट्युए फॉर लोकसभा एंड टेन लैक्स इन असेंबली ठीक है ये वो खर्चा है जो एक कैंडिडेट कर सकता है इलेक्शन कैंपेन्स में है ना तो लोकसभा इलेक्शन में यानी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में पच्चीस लाख और विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में यानी असेंबली कॉन्स्टिट्युएसी में दस लाख की लिमिट है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हालांकि करते हैं लोग इसका रिकॉर्ड नहीं होता ऑफ द रिकॉर्ड होता उसका कोई बिल नहीं लेते बिना बिल के काम करते हैं तो प्रूफ नहीं मिलता यदि प्रूफ मिल जाए तो मान लो व्यक्ति जीत भी गया ना उसके बाद भी उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है ठीक है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अलावा कुछ और रिस्ट्रिक्शनस भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है Conduct, ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं ही कि पैसा नहीं दे सकते डरा धमका नहीं सकते 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिलीजन के नाम पर या कास्ट के नाम पर वोट नहीं ले सकते लेकिन इनके अलावा कुछ एडिशनल कोड भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में से कहते हैं आचार संहिता ठीक है तो ये आचार संहिता क्या है ये आचार संहिता कह रही है कि भैया सेम वही चीज आएगी नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा अभी हमने क्या कहा था कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर रिलीजन और कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते अब हम क्या कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप का यूज भी नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोपोगेंडा के लिए ठीक नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन वही चीज रिपीट हो गई कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन्स में तो वही पॉइंट यहां रिपीट हो गया गवर्नमेंट व्हीकल्स का एयरक्राफ्ट का और ऑफिशियल्स का यूज नहीं कर सकते इलेक्शन में ठीक है और जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हुए वंस इलेक्शंस आर अनाउंसड कोई भी नेता कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते कोई जो पहले डिसीजन लिया था उसका फाउंडेशन स्टोन भी नहीं रख सकते ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर जाकर आप किसी का किसी डैम का उद्घाटन कर रहे हो या रोड का उद्घाटन कर रहे हो ये नहीं चलेगा है ना तो वंस इलेक्शन आर मिनिस्टर मिनिस्टर्स नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज ठीक है ये कुछ भी नहीं कर सकते ठीक क्लियर है ये चीज तो ये क्या कहलाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप तो हमने क्या क्या देखा अभी क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करना हो गया वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना हो गया नॉमिनेशन हो गया इलेक्शन कैंपेन हो गए अब आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ये फाइनल स्टेज है अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या होता है अब भाई इस दिन जिस दिन ये लोग वोट डालने जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं इलेक्शन डे ठीक है इसको नाम दिया गया है कि जिस दिन सब लोग वोट डालने जाते हैं वो कहलाता है इलेक्शन डे इस दिन हर वो व्यक्ति जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है ठीक है जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है वो आसपास के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दे सकता है है ना? लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि कहीं भी जाके वोट दे सकते हो आपका पोलिंग बूथ फिक्स होता है ठीक है एक चिट्ठी एक, एक पर्ची आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके पास जिसमें यह बताया जाता है कि आपको कौन से नंबर के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करना है ठीक है तो जनरली ये जो पोलिंग बूथ होता है ये किसी स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में सेटअप किया जाता है ठीक है स्कूल में अलग अलग कमरों में अलग अलग नंबर का पोलिंग बूथ बना दिया जाता है अलग अलग रास्ते होते हैं वहां जाने के लिए ठीक तो क्या करते हैं यहां पर हर एक व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो इलेक्शन डे पर जाकर वोट कर सकता है किसी भी अपने आसपास के पोलिंग बूथ में लेकिन किसी भी का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी चले जाओ जो पोलिंग बूथ आपको वो पर्ची में आएगा लिखा हुआ उस पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करना होता है जो किसी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में जनरली स्टेप स्टेपअप सेटअप किया जाता है ठीक है गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है ठीक है अब जैसे ही वोटर पहुंचा वोट डालने के लिए ठीक है बूथ में पहुंचा तो क्या करेगा वहां पर कैसा सेटअप होता है हर एक कैंडिडेट का एक एजेंट वहां बैठा हुआ होता है ठीक है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं तो जैसे ही आप पहुंचोगे वो जो ऑफिसर बैठा है वो आपकी एंट्री करेगा और बाकी के जो लोग हैं वो अपनी लिस्ट में नाम के आगे टिक लगा लेंगे कि भाई कौन आ गया वोट देने के लिए ठीक ऐसा क्यों करते हैं हर एक एजेंट क्यों अलाउ होता है एक एजेंट इसीलिए अलाउ कर देते हैं कि कहीं वहां चीटिंग ना हो जाए सबके एजेंट है वहां सबका एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है वो देखता रहेगा कि कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है ना तो जैसे ही वोटर अंदर जाता है पोलिंग बूथ पर इलेक्शन ऑफिसर क्या करता है उसको आइडेंटिफाई करता है यहाँ हर यूज़ कर रहे हैं अपन बार बार है ना इससे कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ महिलाओं के लिए हिज और हर दोनों यूज कर सकते हैं बट चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और जो एक सिस्टम चला रहा है उसको एक ब्रेक करने की बात कर रहे हैं इसीलिए अपने यहाँ पर हर वर्ड यूज किया है है ना तो इलेक्शन का ऑफिसर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उसके उंगली पर एक मार्क कर देते हैं इस तरीके से हम जानते हैं एक मार्क लगा दिया जाता है ठीक है और उसको उसका कोस उसका वोट कास्ट करने के लिए जाने देते हैं ठीक और जो एजेंट है हर एक कैंडिडेट का एक एजेंट वहां पर बैठा होता है पोलिंग बूथ के अंदर ठीक है ये इंश्योर करने के लिए कि वोटिंग जो है वो फेयर मैनर में हो ठीक अब व्यक्ति गया अंदर अंदर जाएगा पोलिंग बूथ में वहां एक ऐसे कपड़ा टाइप का लगा हुआ होता है वहां पर जाकर वो वोट करेगा ठीक है अब पहले क्या होते थे बैलेट पेपर हुआ करता था अब ईवीएम मशीन होती है बैलेट पेपर क्या होता है एक पीस ऑफ पेपर है जिस पर कैंडिडेट का नाम उसकी पार्टी का सिंबल लिखा हुआ रहता था ठीक है पार्टी का सिंबल रहेगा कैंडिडेट का नाम रहेगा उसके आगे नाम के आगे व्यक्ति को सील लगानी होती थी और उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल के आ जाना होता था ठीक है अब ऐसा नहीं होता अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसमें भी होगा वही कैंडिडेट का नाम होगा और कैंडिडेट का सिंबल होगा ठीक है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका भी सिंबल होता है और यदि वो पार्टी का मेंबर है तो वो पार्टी का सिंबल आएगा ठीक है तो कैंडिडेट का नाम आएगा पार्टी का सिंबल आएगा इसके सामने वोट दबाना है और यदि किसी को वोट नहीं देना तो एक नया ऑप्शन आ गया है नन ऑफ द अब नोटा है ना ये भी आजकल वोटिंग ईवीएम मशीन में आ गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक तो ये ईवीएम के थ्रू आजकल वोटिंग हो रही है ठीक है इस मशीन में क्या होगा कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी सिंबल होते हैं जो इलेक्शन कमीशन उनको प्रोवाइड कराता है ठीक अब वोटर ने बटन प्रेस किया कैंडिडेट के नाम के सामने का जो भी वो जिसको भी वो वोट करना चाहता है उसका वोट सेव हो गया ठीक है अब जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म हुआ मान लीजिए शाम के पांच बजे तक का या छह बजे तक का या सात बजे तक का जो भी टाइम इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था वो टाइम खत्म हो गया तो ये जो ईवीएम होती हैं ये सारी की सारी ईवीएम सील कर दी जाती हैं और इन सबको एक सिक्योर प्लेस पर रख लिया जाता है कुछ दिनों बाद क्या होगा एक फिक्स डेट पर ये सारी ईवीएम ओपन की जाएंगी और किसने कितने वोट सिक्योर किए हैं उसकी काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग के समय भी सारे कैंडिडेट्स खुद वहां मौजूद होते हैं या उनके एजेंट्स मौजूद होते हैं वो खुद नहीं रह पाते हैं तो ठीक है सेम रीजन फेयर मैनिंग फेयर मैनर में काउंटिंग हो है ना तो एजेंट्स हर एक कैंडिडेट के वहां प्रेजेंट होते हैं और ज्यादातर जगहों पर कैंडिडेट खुद प्रेजेंट होता है ताकि वो ये देख सके काउंटिंग सही से हो रही है कि नहीं अब काउंटिंग हो गई जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं दैट पर्सन इज अनाउंस्ड इलेक्टेड उसको अनाउंस कर दिया जाता है कि वो इस जनरल इलेक्शन में जीत गया है ठीक है अब ये जो जनरल इलेक्शन की काउंटिंग होती है जनरली वो एक साथ ही होती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की ठीक है हमने जब पोलिंग की बात की तो पोलिंग में देखा था कि या तो एक साथ एक ही दिन में या एक साथ कुछ दिनों के अंदर वोटिंग होती है ना फॉर एग्जांपल पांच स्टेट्स में एक साथ करा ली और पांच स्टेट्स में बाद में करा ली पांच स्टेट में फिर करा ली ऐसे करके चार या पांच चरण कहते हैं उसको अपन है ना फेजेस है ना फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज़ ऐसे पोलिंग पूरी हो जाती है लेकिन काउंटिंग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक साथ होगी और जब काउंटिंग चल रही होती है तो न्यूज़पेपर्स में रेडियो चैनल्स पर टेलीविजन्स पर सब तरफ हम ये देखते हैं कि पूरे टाइम टाइम ये जो है ना रिजल्ट जो है ना वो एक टेबल एक फॉर्म में आता ही रहता है कुछ घंटों के अंदर ही हमको पता चल जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा ठीक है अब ये जो इलेक्शन हम कंडक्ट करवाते हैं कई बार ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन है हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं बहुत एक्सपेंसिव बहुत पैसा खर्चा होता है ठीक है लेकिन क्या ये सही है इसकी जांच कर लेते हैं ठीक है अब हमने पांचों स्टेप्स पढ़ लिए हमने है ना कि constituency बन गई वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो गई उसके बाद हमने देखा नॉमिनेशन हो गया इलेक्शन कैंपेन हो गया और पोलिंग हो, हो गई काउंटिंग हो गई पांचों स्टेप हो गए अब इस पर चर्चा करेंगे क्या ये इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अब इसको समझने के लिए डेटा चाहिए पड़ेगा तो डेटा देखते हैं दो के लोकसभा इलेक्शन का डेटा है अपने पास कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया गवर्नमेंट मतलब यहां हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की है ना इलेक्शन कमीशन ने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अब इसको पर पर्सन निकाला जाए तो कितना जाएगा फोर्टी रुपीज पर पर्सन हर एक व्यक्ति पर चालीस रुपए खर्चा किया गया वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उसके हिसाब से पूरी पॉपुलेशन की भी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? अब ये जो अमाउंट स्पेंड हुआ है ये किसने किया गवर्नमेंट ने अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की कि ये जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो कितना था इससे दस गुना लगभग थर्टी थाउजेंड करोड़ लगभग टेन टाइम्स हो गया और यदि इसको पर पर्सन निकाला जाए तो ये कितना है फाइव हंड्रेड रुपीज पर पर्सन ठीक है ये इतना खर्चा वोट, वोटिंग पर हुआ है ना पांच सौ रुपए पर पर्सन या चालीस रुपए पर पर्सन 540 मान लो गवर्नमेंट और और कैंडिडेट्स का मिला के यानी कि दोनों का मिला के लगभग कितना हो गया भाई 30 करोड़ ये और तीन साढ़े तीन करोड़ ये थर्टी थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ ठीक है थीके? इसको हम जरा कंपेयर करते हैं जरा कुछ दूसरी चीजों से ठीक है अब यहां पर हमने देखा कि कुछ सबमरीन्स खरीदी हमारी कंट्री ने कितनी सबमरीन्स खरीदी छह कब खरीदी दो हजार में है ना हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं दस साल पहले की है ना इलेक्शन देखा उसके ये छह सबमरीन जो हमने खरीदी हर एक तीन हजार करोड़ की थी छह सबमरीन हमको पड़ी अट्ठारह हजार करोड़ की ठीक है और दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की बात यदि की जाए जो 2010 में कंडक्ट कराए गए थे इन पर खर्चा हुआ कितना बीस हजार करोड़ इन दोनों का खर्चा गेम्स का और सबमरीन का खर्चा यदि देख लें अपन तो ये जो वोट कन, वोटिंग में जो पार्टीज ने और गवर्नमेंट ने खर्च किया उससे ज्यादा ही निकला तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो खर्चा हमने किया इलेक्शंस कंडक्ट कराने में वो ज्यादा है और इसमें गवर्नमेंट का तो ज्यादा हो ही नहीं रहा गवर्नमेंट का तो कितना हुआ साढ़े तीन हजार करोड़ है ना पर पर्सन चालीस रुपए तो इतना तो खर्चा कर सकते हैं अपन है ना तो इलेक्शन यदि कोई कह रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है तो वो सही नहीं है ठीक लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वॉट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक अभी हमने क्या पढ़ा था पहले एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ठीक है अब क्या पढ़ना है ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में ये कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक हैं इसके तीन तरीके होते हैं ठीक है एक तरीका ये ये चेक करना कि इलेक्शंस कंडक्ट कौन करवा रहा है जो कंडक्ट करवा रहा है वो पावरफुल है कि नहीं दूसरा ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं और तीसरा ये कि रिजल्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं ये तीन तरीके होते हैं ये चेक करने के कि जो इलेक्शंस हैं ये डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है और ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है क्योंकि बहुत सारी माल प्रैक्टिस होती हैं ना बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन्स पर हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि भैया ये जो इलेक्शंस हैं ये अनफेयर और क्या एलिगेशन लगाए लगाए जाते हैं जरा हम पहले वो एलिगेशन देखते हैं क्या कहते हैं लोग इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून इन द वोटर्स लिस्ट ये होता है बोल रहे हैं कि जेन्युन लोगों के नाम फॉर एग्जाम्पल मेरे गाँव में मेरा नाम हटा दिया और मेरी जगह किसी और का फर्जी नाम एड करवा दिया ठीक है मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स रूलिंग पार्टी ऐसा कर सकती हैं है ना एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाई रिच कैंडिडेट्स इन बिग पार्टीज ये तो हमें दिखता है ये क्लियरली होता है है ना एंड इंटीमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रेगिंग ऑन पोलिंग डे मतलब लोगों को डराना धमकाना और उसके हिसाब से उनसे डरा के धमका के उनसे वोट गेन कर लेना है ना ये सारी चीज़ें होती हैं ऐसा कह रहे हैं इनमें से कुछ रिपोर्ट सही भी हैं गलत नहीं है है ना बहुत सारी रिपोर्ट इनमें से ऐसी हैं जो सही हैं तो लेकिन इसके लिए हमको अनहैप्पी होने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है भाई कि ये कुछ जगहों के लिए फॉर्चुनेटली क्या है दे आर नॉट ऑन सच अ लार्ज स्केल सो एज टू डिफीट द दर्पज ऑफ इलेक्शन हो तो नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रहे हो ठीक है तो क्वेश्चन क्या बनते हैं अब यहां से हमारे दिमाग में कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू बिकॉज इट डज नॉट है पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्ट्रल माल प्रैक्ट क्या ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा क्या कोई पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करके जीत सकती है पूरा का पूरा इलेक्शन एकाद जगह दो एक दो कॉन्स्टिट्युएंसी में पांच कॉन्स्टिट्युएंसी में दस कॉन्स्टिट्युएंसी में मान लो ऐसा हो गया लेकिन भाई इलेक्शन जीतकर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए यदि हम लोकसभा की बात करें तो फाइव फोर्टी पर इलेक्शन होते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 272 सीट्स चाहिए तो क्या 272 सीट्स पर पूरे 272 सीट्स पर चीटिंग करके कोई इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है और चीटिंग हो जाए सब जगह ये भी पॉसिबल नहीं है कैसे चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे भैया इलेक्शन कौन कराता है भाई तो देखते हैं हमारे यहां कौन कराता है इलेक्शन कमीशन ठीक है हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन है लेकिन भाई हम कैसे मान लें ये चीज ये चेक करने के लिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है कि नहीं है ये जानना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन है कंडक्ट कौन कराता है ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा कि भैया कलेक्ट कंडक्ट कौन करा रहा है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लेकिन अब और कई दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं क्या आते हैं ये इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं है है ना मीन्स इंडिपेंडेंट है ये कब कहेंगे जब गवर्नमेंट और ऑफिसर्स इसको इन्फ्लुएंस ना कर पाए ठीक है तो गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी यदि इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है है ना तो हमारे क्वेश्चन क्या आएगा क्या ये इंडिपेंडेंट है क्या गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है क्या इनके पास इनफ पावर्स हैं कि ये इंडिपेंडेंट इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा सकें क्या ये इन पावर्स का यूज करते भी हैं हो सकता है पावर हो लेकिन इलेक्शन कमीशन उनका यूज ना कर रहा हो है ना तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम ये देखते हैं हमारे यहाँ जो आंसर्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं हमारी कंट्री में ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल भी है ये वैसे ही इंडिपेंडेंस एंजॉय करता है जैसा कि हमारे यहाँ जुडिशरी कैसे कह सकते हैं भाई इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर जो है उसको कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और जो टोटल तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं भाई ध्यान रखना इसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं हालांकि तीनों की पावर्स इक्वल है तीनों की पावर्स में कोई अंतर नहीं है ठीक है लेकिन ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और एक बार प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया उसके बाद ये जो इलेक्शन कमिश्नर है नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, ठीक एक बार अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने उसके बाद ना वो प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल है और ना ही गवर्नमेंट के लिए लेकिन याद रखना चाहे कोई भी हो सभी लोग जनता के लिए आंसरेबल हैं क्योंकि गवर्नमेंट में जो भी व्यक्ति है वो कैसे पहुंचा है गवर्नमेंट में जनता के कारण पहुंचा है ठीक है अब ऑफिसर्स भी हैं तो ऑफिसर्स चूंकि गवर्नमेंट का पार्ट है तो गवर्नमेंट सरकार किसकी है जनता की है है ना इसीलिए हर कोई किसके लिए आंसरेबल है पब्लिक के लिए आंसरेबल है ठीक है थीके? तो यदि मान लो ये इलेक्शन कमिश्नर कुछ कर रहा है और रूलिंग पार्टी यदि वो पसंद नहीं करती है या गवर्नमेंट उसे पसंद नहीं करती है तब भी वो कुछ नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को हटाना एक कैसा कह सकते हो बहुत वर्चुअली इम्पॉसिबल कहते हैं वर्चुअली इंपॉसिबल क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत ही टफ है ठीक है इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही एक वर्चुअली इंपॉसिबल चीज है इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है ना सेम प्रोसीजर होता है जैसा प्रोसीजर किसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ठीक है तो बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशन कमीशन हैं वर्ल्ड में जिनके पास इतनी पावर है जितनी इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास है तो क्या क्या पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास उंड पावर्स की बात करते हैं सबसे पहली पावर क्या है इलेक्शन कमीशन ही हर एक एस्पेक्ट पर डिसीजन लेता है इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कंडक्ट होने से लेकर उसके जो नोटिफिकेशन इशू होता है वहां से लेकर पोलिंग काउंटिंग फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट होने तक जो भी डिसीजन हैं वो कौन लेता है इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन द डिक्लेशन ऑफ रिजल्ट ये पहली पावर है सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा ठीक फिर दूसरा पावर क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना हमने अभी पढ़ा था कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट कौन करता है इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट करता है और सिर्फ इंप्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं कि बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे फॉलो करना है यदि कोई इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए पाया गया चाहे वो पार्टी हो या कैंडिडेट हो उसको पनिश करने का काम भी कौन करता है इलेक्शन कमीशन ये सजा दे सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने के लिए ठीक है तीसरी चीज क्या तीसरी पावर कि इलेक्शन के टाइम पे ये गवर्नमेंट को भी ऑर्डर पास कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का यूज या मिस यूज ना करे इलेक्शन जीतने के लिए है ना तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस क्यों टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस द चांस टू विन इलेक्शन ठीक है अब ऐसे करने के लिए क्या कई बार क्या करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए ना ये अपने सपोर्ट करने वाले ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं उन एरियाज में जाए इनको लगता है ये हार जाएंगे ठीक है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये ट्रांसफर रोक देता है मतलब कि जब इलेक्शन चल रहा है उस समय इलेक्शन कमीशन चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन गवर्नमेंट को लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते है ना मतलब कि इससे हमें फोर्थ पावर पता चल जाती है जब इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसके कंट्रोल में होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के ना कि गवर्नमेंट के ठीक है तो ये पावर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर की कमीशन की ऐसी पावर्स वर्ल्ड में गिने चुने कुछ इलेक्शन कमीशन हैं जिनके पास है और पिछले लगभग 20-25 सालों में हम ये देखते हैं कि कमिश्नर कमीशन commission ने अपनी ये पावर्स जो है ना सारी पावर्स यूज करना स्टार्ट कर दिया है और इवन अपनी पावर्स को एक्सपेंड भी किया है ठीक है कैसे कह सकते हैं आजकल ये बहुत कॉमन है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को फटकार लगा फटकार यहां पर वर्ड यूज किया गया उसके लिए रिप्रमेंड रिप्रमेंड मतलब ओपनली क्रिटिसाइज करना ठीक है तो इट इज वेरी कॉमन नाउ फॉर इलेक्शन कमीशन टू रिप्रमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैपिस जो भी गलतियां कर रहे हैं उसके लिए ओपनली क्रिटिसाइज करता है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक है अब ये जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं यदि इनको ये लगा कि कहीं पर जो इलेक्शन कंडक्ट कराया है उसमें चीटिंग हुई है वो सही से नहीं हुआ है तो वो उस पूरे इलेक्शन को कैंसिल कर सकते हैं है ना तो व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन बूथ्स और एंटायर कॉन्स्टिट्युएंसी कुछ बूथ पर गड़बड़ हुई हो या पूरी कॉन्स्टिट्युए में गड़बड़ हुई हो तो वो क्या कर सकते हैं रीपोल के लिए बोल सकते हैं अब ऐसा कई बार जब होता है ना तो पार्टी को अच्छा नहीं लगता लेकिन ये कुछ कर ही नहीं सकती उनको क्या करना होता है फाइनली ओबे करना ही होता है मतलब ऑर्डर मानना ही होता है ठीक है यदि इंडिपेंडेंट नहीं होता और पावरफुल नहीं होता इलेक्शन कमीशन तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती तो मतलब देखो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं क्यों क्योंकि जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है ठीक दूसरा तरीका क्या होता है ये चेक करने का कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं है ना तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं यदि फ्री एंड फेयर पार्ट इलेक्शन हो रहे होंगे तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा क्योंकि उनका ट्रस्ट है कि हाँ ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और यदि मान लीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन घटेगा तो एक और तरीका क्या है चेक करने का ये है इलेक्शन प्रोसेस uh, को चेक करने की एफ वी सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ इंथ्यूजियाजम इंथ्यूजियाज्म मतलब क्या है पार्टिसिपेशन बढ़ना और नहीं है मतलब घटना ठीक है तो इफ इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट जाएंगे ही नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए है ना तो आपको चार्ट्स की मदद से हम इसको समझते हैं ठीक ये चार्ट दिख रहा है हमको जिसमें इंडिया और यूके का दिखाया हुआ है कि इलेक्शंस की क्या कंडीशन है 91 से 2005 तक ठीक है इसमें ये वाला जो पोर्शन है यह हमें दिख रहा है ये यूके का पोर्शन है इस पर हमने देखा कि जो वोट करने वालों का नंबर है वो घटा है लेकिन इंडिया में या तो बढ़ा है या कांस्टेंट रहा है ज्यादा घटा नहीं है।, है ना तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इसे हम वोटर्स टर्न आउट से भी काउंट करते हैं ना मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने लोग वोट करने गए वो क्या कहलाता है वोटर्स टर्न आउट है ना तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूज़ुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्न आउट फिगर्स और ये टर्न आउट फिगर्स हैं इंडिया की बात करें टर्न आउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स एक्चुअली कास्ट देयर वोट ठीक है कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कितने लोगों ने वोट दिया एंड ओवर द लास्ट फिफ्टी ईयर्स द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड बट इन इंडिया द टर्न आउट हैज स्टेबल और एक्चुअली ग्रोन अप ठीक है तो भैया लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मतलब कि डेफिनेटली लोगों का इलेक्शन में भरोसा है ठीक है तो इंडिया में हमने ये देखा कि एक तो वोटर्स टर्नआउट बढ़ रहा है मतलब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं अब इसी पार्टिसिपेशन में ग्रुप्स की बात करें यदि हम देखें कि जो पुअर्स हैं जो इलिटरेट हैं वो ज्यादा वोट कर रहे हैं मतलब कि लोगों का वोटिंग पर इलेक्शन पर भरोसा है इसमें भी हम देखते हैं कि यूएसए में ऐसा नहीं हो रहा या अदर जो कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि पुअर्स ज्यादा वोट कर रहे हैं रिच लोग ज्यादा वोट करते हैं पुअर कम करते हैं इंडिया में उल्टा है इंडिया में पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिवलेज लोग हैं वो लार्ज प्रोपोर्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन ठीक है इनका ही तो नंबर सबसे ज्यादा है और ये लोग सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में कंट्रास्ट है इसमें यूएसए का एग्जांपल हम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का कि वहां पर जो पुअर हैं आफ्रिकन अमेरिकन हिस्पेनियन हैं हिस्पेनियन मतलब जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो बहुत कम नंबर्स में वोट करते हैं और रिच लोग ज्यादा नंबर में वोट करते हैं ठीक है यहां हम देख रहे हैं कितने सारे एस सी एस टी ओ बी सी और अपर कास्ट अपर कास्ट फिफ्टी सिक्स परसेंट वोट कर रहे हैं ओबीसी बी फिफ्टी एट कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट सिक्सटी परसेंट और शेड्यूल ट्राइब सिक्सटी वन परसेंट वोट कर रहे हैं इंडिया में है ना जबकि यूएसए की बात करें तो वाइट्स ज़्यादा वोट कर रहे हैं ब्लैक्स कम कर रहे हैं और हिस्पेनियन और कम कर रहे हैं है ना तो इंडिया में ये जो पुअर्स हैं अंडर प्रिवलेज हैं ये लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं ठीक तो वोटर्स पार्टिसिपेशन में दो चीज़ें देखी एक वोटर्स टर्न आउट और एक कि पुअर्स इलिटरेट और अंडर प्रिवलेज ज्यादा वोट कर रहे हैं तीसरा आ जाते हैं अब अपन कि भाई ये जो इलेक्शन को इंपॉर्टेंस कितनी दे रहे हैं कॉमन लोग उससे भी हम चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्यों उनको लगता है इलेक्शन के द्वारा या इलेक्शन की हेल्प से वो पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स को वो सब करने पर मजबूर कर सकते हैं जो पब्लिक चाहती है है ना तो इंडिया में हम क्या देख रहे हैं जो कॉमन पीपल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्शन को क्यों वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है ना दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू द पीपल ठीक है इसीलिए इनमें बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं इलेक्शंस में ठीक और उनको ये लगता है कि उनका वोट जो है वो मैटर करता है ये चीज़ यहाँ पर हमको दिख रही है सिक्सटी सेवन परसेंट लोगों को ऐसा लगता है इंडिया में कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है ठीक है इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं ठीक है अब इसमें एक और चीज़ आती है इलेक्शन रिलेटेड कोई भी रैली हो रही है या कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं यदि इलेक्शन रिलेटेड इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज्यादा नंबर्स में मतलब वो इलेक्शन में भरोसा करते हैं है ना तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि परसेंटेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ठीक है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर कैसे भाई एग्जाम्पल इसमें डेटा है कि 2004 का जो इलेक्शन था मोर देन वन थर्ड वोटर्स यानी कितने 33 परसेंट ठीक है मोर देन वन थर्ड वोटर्स टुक पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज ठीक है और मोर देन हाफ ऑफ द पीपल यानी 50 परसेंट से ज्यादा आइडेंटिफाई दमसेल्स एज बींग दींग क्लोज आइडेंटिफाई दमसेल्व एज बींग क्लोज टू वन और द अदर पोलिटिकल पार्टी ठीक है मतलब लोग ओपनली बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं या मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं पहले ऐसा नहीं बोलते थे छुपा के रखते थे सब चीजें है है ना एंड एक और चीज वन आउट ऑफ ऑफ एवरी सेवन वोटर इज अ अ मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ठीक माने हर एक व्यक्ति सात में से एक व्यक्ति किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है इन चारों चीजों के बेसिस पर हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ज़्यादा लोग वोट कर रहे हैं उसमें भी पुअर्स ज़्यादा वोट कर रहे हैं और वो अपने वोट की वैल्यू को इम्पॉर्टेंस देते हैं उनको लगता है कि इससे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब की पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए और लोग इलेक्शन रिलेटेड कैंपेन से और बाकी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं ठीक है अब ये तीन चीज़ें हो गई इसके बाद लास्ट क्या आता है ये कि भाई कैसे लोग रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है इससे और हम चेक कर सकते हैं कि ये जो इलेक्शन हैं ये फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं है है ना तो सबसे बहुत बहुत सारे जो हमने पॉइंट पढ़े उसमें एक और पॉइंट क्या आ जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो आउटकम जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं तो वन ऑफ वन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इट क्या है इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल मतलब जो पावर में है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर चुका है वो कभी हारेगा ही नहीं हमेशा उसी की गवर्नमेंट रहेगी ठीक है जैसे कि मैक्सिको में हमने देखा सत्तर साल तक मैक्सिको में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट रही ठीक है तो जो इलेक्शन होते हैं उसका जो आउटकम होता है वो भी इस चीज का सबूत होता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है कि नहीं है ना तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह रहे हैं द रूलिंग पार्टी वुड नॉट डू नॉट लूज इलेक्शन और लूजिंग पार्टी जो होती है वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे आउटकम को वो ये बोलेंगे कि जो इलेक्शंस uh, हुए हैं उसमें चीटिंग हुई है ठीक है तो आउटकम देखकर भी हम बता सकते हैं तो अब जरा इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, है ना और इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरों से है ना हम देख रहे हैं इंडिया में जो रूलिंग पार्टी होती है वो रूटीनली हारती है है ना माने हर तीन में से दो इलेक्शन ऐसा हो जाता है जिसमें ये पार्टी हार जाती है चाहे हम हम नेशनल लेवल की बात करें चाहे स्टेट लेवल की तो इनफैक्ट इन द एवरी टू आउट ऑफ थ्री इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट ट्वेंटी फाइव द रूलिंग पार्टी लॉस्ट ठीक तो ये पहली चीज दिख रही है अभी हमने कहा कि यदि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते तो रूलिंग पार्टी थी वो कभी हारती ही नहीं ठीक अब पार्टी की बात हो गई एम और एम की बात करें हम नेशनल और स्टेट की बात छोड़ के कॉन्स्टिट्युएंसी लेवल की बात करें यदि कॉन्स्टिट्युएंसी लेवल पर भी चीटिंग हो रही होती तो जो एमपी और एमएलए है वो कभी नहीं हारता लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो सिटिंग एमपी या सिटिंग एमएलए होते हैं वो इलेक्शंस हार जाते हैं कितने लगभग आधे अबाउट हाफ ठीक है यूएसए में ऐसा नहीं होता यूएसए में जो सिटिंग एम पी या एम एल ए होता है वहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रियली really ऐसा होता है कि वो इलेक्शन हारे लेकिन इंडिया में लगभग आधे लोग हर साल जो पिछली बार जो जीते थे ना इस बार वो ऐसा होता है कि आधे से ज्यादा लोग हार जाते हैं ठीक है फिर कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बहुत पैसा खर्चा किया उसके जीतने के है, है ना तो कई बार ऐसा होता है और सेम केस क्रिमिनल्स के साथ भी होता है या ऐसे लोग जो क्रिमिनल कनेक्शन वाले हैं या जो खुद ही क्रिमिनल हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं तो कई बार हार जाते हैं तो ये आउटकम से हमको पता चल रहा है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है यदि फ्री एंड फेयर नहीं होते तो गुंडा बदमाश हारता नहीं या गुंडे बदमाशों से जिसका कनेक्शन है वो नहीं हारता या जो ज्यादा पैसा कर, खर्च कर रहा है वो भी नहीं हारता ठीक है और सारे लोग इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं कुछ जो केसेस हैं उनको छोड़कर है ना तो बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन कुछ ही जगह ऐसा होता है जहां इलेक्शन में डिस्प्यूट हो द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजली एक्सेप्टेड एज पीपुल्स वर्डिक बाई द डिफीटेड पार्टी और कैंडिडेट ठीक है तो ये इन चीजों से हमको पता चल जाता है कि भाई इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो अब हमें क्या पढ़ना है कौन से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं इंडिया में टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन ठीक तो इतना सब पढ़ा इतना सब पढ़ने के बाद हमको इतना तो समझ में आ गया कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं है ना तो थोड़ा सा पन इसको कंक्लूजन को देख लेते हैं कि इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर पार्टी एन इलेक्शन नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इतना तो समझ में आ गया अभी हमने जो पढ़ा उससे कि कुछ जगहों पर हो सकता है ऐसा ना हुआ हो ठीक है तो इसी से ये जो हम कह रहे हैं ना कि कुछ जगहों पर हो सकता है ऐसा ना हुआ हो इसी से हमें को ये समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो अभी भी समस्याएं हैं जिनको दूर करने की जरूरत है तो अब यहां से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं क्या क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि चलो मान लो कुछ जगहों पर तो चीटिंग कर चीटिंग हुई है लेकिन बाकी जगहों पर नहीं हुई लेकिन जहां पर चीटिंग नहीं हुई है क्या वहां लोगों ने सोच समझ वोट दिया क्या उनके पास सही चॉइसेस थी है ना तो यहां पर अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं ये कंक्लूजन पढ़ने के बाद है ना कि अ फ्यू कैंडिडेट में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मींस बट ओवरऑल वर्ल्ड ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट सिक्सटी इस इन अवर कंट्री दिस इज वॉट मेक्स इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक इंडिया में जो इलेक्शन है वो इसलिए डेमोक्रेटिक है क्योंकि ये बहुत कम लेवल पर हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं लेकिन कुछ डीपर क्वेश्चन पूछने की जरूरत है क्या क्वेश्चन पूछने की जरूरत है आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज क्या हमने सही सोच समझ कर निर्णय लिया है आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस पता चला कि इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ कोई ढंग का व्यक्ति तो जो खड़ा हुआ उसी को चूज कर लिया इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल क्योंकि हमको कुछ चैलेंजेस समझ में आते हैं जो हम यहां पर देख रहे हैं सबसे पहला चैलेंज क्या है कि कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो बहुत पैसा खर्च करती हैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं हो सकता है वो हार जाए लेकिन फिर भी एक अनफेयर एडवांटेज तो उनके पास है है ना तो पहला चैलेंज क्या है कैंडिडेट्स इन पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे हैव डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ठीक ये एक हो गया दूसरा क्या होता है फैमिली वाला मैटर होता है कि वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ही देते हैं, है ना तो इन कंट्री क्या हो रहा है जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो जेन्युन लोगों को या अच्छे लोगों को इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने देते वो इतने पावरफुल होते हैं वो क्रिमिनल्स कि कई बार पार्टी को ही प्रेशराइज कर देते हैं कि सिर्फ हमें ही वोट करना होगा किसी और हमें ही सॉरी टिकट देना होगा किसी और को आप टिकट नहीं दे सकते तो क्रिमिनल्स कई बार वो इलेक्शन uh, में पार्टिसिपेट कर लेते हैं ठीक है तीसरा हम जाते हैं कि मेंबर्स को अपने फैमिली मेंबर्स को ही वो टिकट देते हैं है ना तो सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पोलिटिकल पार्टीज टिकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज है ना जैसे कि हम कांग्रेस की बात करें या हम सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी में आप देखो एक ही फैमिली के लगभग पच्चीस से तीस लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव हैं और किसी ना किसी लेवल पर वो ऑफिशियल पोस्ट पर भी हैं है ना पॉलिटिकल पोस्ट पर भी हैं ठीक है तो भाई ये देखा हमने तीन पॉइंट्स देख लिए पहला क्या कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके जीतने के चांसेस हैं भले ही ना जीते हैं लेकिन एक अनफेयर एडवांटेज है दूसरा क्या देखा हमने कि जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो टिकट गेन कर लेते हैं और जो जेन्युन लोग हैं अच्छे लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल पाती है तीसरा ये देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को ज्यादातर टिकट्स प्रोवाइड कराते हैं ठीक है अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई जो इलेक्शन होते हैं वो चॉइस ऑफर नहीं कर रहे हैं चॉइस ऑफर क्यों नहीं कर रहे है? क्योंकि जो मेन पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी है सब एक जैसी बात कर रहे हैं ना जैसे हमारे यहां दो पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी तो बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस लगभग एक जैसी है तो कोई रियल चॉइस नहीं है बहुत कम डिफरेंस है बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है खासतौर से यदि हम पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसीज में दो चार चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजों में इन दोनों की पॉलिसीज एकदम सेम है ठीक और लास्ट क्या आता है जो स्मॉल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं दे सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज अब पहले वाले को ही रिवर्स करके लिख दिया इसमें अपन ने है ना तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं जिनको दूर करने की जरूरत है ठीक है तो भाई ये चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है यदि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं और इन सारे कोर्सेज़ के डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच